माइनक्राफ्ट पर मैं हायर कर सकता हूँ विलेजर्स को और उनसे अपने लिए कोई भी काम करवा सकता हूँ। मैं उन लोगों से स्टोन माइन करवा सकता हूँ, आयरन माइन करवा सकता हूँ और तो और डायमंड तक मैं उनसे माइन करवा सकता हूँ। तो आज की वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आधे से ज्यादा काम हमारा विलेजर्स करने वाले हैं। देखो ऑलराइट गाइस, तो ये मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू वर्ल्ड में और एक बार ही आप लोग बैक साइड पे देखो भाई साहब, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। ऊपर बड़े बड़े बर्फीले माउंटेन्स और यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही है नीचे को, जो कि सचमुच में मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फिलहाल हाँ, मेरे को ना सबसे पहले ढूंढना होगा विलेजर्स को, उन्हें हायर करना है, उनसे अपने लिए सारा काम करवाना है और फटाफट से एंड्री ड्रैगन को मार के गेम को एंड करना है। अब यार देखो, विलेजर्स मेरे को मिलने वाले हैं विलेज में, तो यानी मुझे सबसे पहले विलेज ढूंढना होगा। बट विलेज ढूंढने से पहले मेरा प्लान पता है क्या है, क्यों ना थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा कर लिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लॉग्स हैं, सामने ना काफी सारी गांव है, तो मैं थोड़े बहुत टूल बना के ना अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लूंगा। लेट्स गो, लॉग्स ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये बना लिए प्लैंक्स एंड प्लैंक्स मैंने बना लिए ढेर सारे स्टिक्स। लेट्स गो। वैसे हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस टाइम पर ना, बस एक एक्स चाहिए होगा क्योंकि इतना फूड बहुत होता है। फूड 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 फूड, सामने बहुत सारी गांव है, जल्दी से चल के इन सबको लपेट देते हैं, अपना खाने का जुगाड़ हो जाएगा यार। ओके, फूड मैंने इकट्ठा कर लिया था, बट यहाँ पर और भी काफी सारा फूड है, तो इसको भी लपेटते हैं, ये भी कर लेते हैं इकट्ठा। चलो गाइस, तो भी ढेर सारा फूड इकट्ठा हो गया है, सामने की तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि उधर फुल ओपन फील्ड है, विलेज अगर होगा तो जल्दी नजर आ जाएगा। और वेट 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 वेट, सामने एक रुइन पोर्टल है, लेट्स गो। और वेट, वहां पर सामने विलेज भी है, अपना काम हो गया। ओके, तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं विलेज पे और इतना ज्यादा चलने के बाद ना मेरे प्लेयर को बहुत भूख लग गई है भाई साहब, तीन हंगर हूं मैं। तो सबसे पहले ना जाकर मुझे थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करना चाहिए। हमें विलेजर्स को हायर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट हाँ सबसे पहले थोड़ी सी पेट पूजा जरूरी है। लाओ यार पहले बैठ दो ताकि रात हो जाए तो मैं तुरंत सवेरा कर लूं। भैया कैसा विलेज है यार, क्या यहाँ पर फूड नहीं है? वेट 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 वेट, सामने मेरे को ढेर सारा हेबेल मिल चुका है, फाइनली जान में जान आई। फटाफट से हेबेल तोड़ते हैं और इसमें से निकालते हैं ब्रेड को। नाइस, ढेर सारा हेबेल आ चुका है, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले से मैं बना लेता हूँ व्हीट और व्हीट से बना लेता हूँ ढेर सारा ब्रेड। फाइनली अब जाकर थोड़ी भूख कम लगेगी। मेरे पास फूड तो वैसे बहुत सारा पड़ा हुआ था, बट ये ना सारा कच्चा फूड है, इसको खाने का मन नहीं करता, इसे कुक करके खाने में मजा आता है। फिलहाल मैं सोच रहा था कि जाते ही विलेजर्स को हायर करेंगे और अपना काम करवाना शुरू कर दूंगा, बट अभी रात हो चुकी है और रात होती ये ज़ॉम्बी स्केलेटन सब स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मैं जाकर सोने वाला हूँ भाई, जो काम है भैया नेक्स्ट डे करेंगे। ये रहा बेड, चुपचाप से सो जाते, इस पे नहीं येलो बेड पे सोऊंगा भाई, ये अपनी स्किन की कलर का बेड है, इसको लगाओ यहाँ पे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर प्लानिंग हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले ना हमें एक विलेजर को जॉब देनी होगी और जॉब मिलेगी उस विलेजर को जो विलेजर नल्ला घूम रहा है, जिसके पास कोई काम धाम है नहीं, बट हाँ जॉब भी उसको देने के लिए हमें एक प्रॉपर डिफरेंट वर्क स्टेशन बनाना होगा, जिसको बनाने के लिए मेरे को ना प्लैंक चाहिए। प्लैंक तो देखो मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, इस लॉक को इकट्ठा करता हूँ, मेरे को चार प्लैंक मिल जाएंगे और मेरे को चाहिए होगी दो कॉबल स्टोन, बट कॉबल स्टोन के लिए भी मेरे को पिकैक्स चाहिए होगा, पिकैक्स से तोड़ के कॉबल स्टोन मेरे को मिलने वाला है। तो मेरे पास जो क्राफ्टिंग टेबल है उस क्राफ्टिंग टेबल को रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इससे पहले बना लेते हैं एक पिकैक्स, तो ये रखा। वेट वेट वेट, पहले मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर रखकर ये मैंने बना ली एक पिकैक्स, इस पिकैक्स से मैं ये वाले कॉबल स्टोन बिचारों के घर तोड़ रहा हूँ यार, मैं इतनी स्टोन होते हैं लेकिन नहीं, इन्हीं के स्टोन चाहिए मेरे को। तो वेट, वर्क स्टेशन बेंच बनाने के लिए ना मुझे एक स्टोन पिकैक्स चाहिए होगी, फिर बनेगा वो। तो अभी मुझे सिंपली करना क्या है, सबसे पहले बनानी है एक स्टोन की पिकैक्स, इस पिकैक्स को रखना है बीच में, नीचे रखने ऐसे प्लैंक्स और ऊपर रखने प्लैंक्स, और ये बन गया माइनर स्टेबल। इस स्टेबल को ले जाकर अगर मैं किसी विलेजर को दूंगा तो वो माइनर बन जाएगा और मेरे लिए कुछ भी माइन करेगा, बट हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, उसको हमें एमरल्ड्स देने पड़ेंगे। तो अभी फटाफट से ढूंढते हैं एक नल्ला विलेजर जिसके पास कोई भी काम धाम नहीं है, उसको ले जाकर ये वाला टेबल देते हैं और अपना काम हो जाएगा। हेलो भाई साहब, तो देखो गाइस ये है नल्ला विलेजर, इसके पास कोई काम धाम नहीं है, इसको हम लोग आज बनाने वाले हैं माइनर। मेरे भाई इधर आ जाओ, इधर इधर आपके लिए इधर काम है, ये इसके आगे मैंने रख दिया, ले भाई। अरे इसका लग रहा काम करने का मन भी नहीं है, कहाँ जा रहा है भाई, काम से दूर भाग रहा है आलसी आदमी। किसी मेहनती विलेजर को ढूंढते हैं यार। वेट, ये मेहनती विलेजर है बट ये ऑलरेडी कार्टोग्राफर बना हुआ है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज से तेरा कार्टोग्राफर का काम बंद, अब तू करेगा ये, ले माइनर बन चुपचाप से, लेट्स गो। ये माइनर बन चुका है गाइस, अभी हमारे लिए काम करने वाला है। ऑलराइट, तो भी फिर फटाफट से पता करते हैं कि आखिरकार इस माइनर से हम लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो दो एमरल्ड में ये हमें 64 पूरा का पूरा एक स्टार कोबल स्टोन माइन करके लाके देगा, और सिर्फ दो एमरल्ड में ये हमें 32 ओक लॉक्स भी दे देगा। लेट्स गो, इससे ट्रेडिंग करवाते हैं, बट ट्रेडिंग करवाने के लिए मुझे दो एमरल्ड चाहिए होंगे। और एक सेकंड भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे
मैं ला रहा हूँ एमरल्ड ला रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अभी से जाने देते हैं, मैं इसको एमरल्ड ला कर देता हूँ। और एमरल्ड लेने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि मैं किसी एक विलेजर को ना फ्लेचर की जॉब देता हूँ, मेरे को उसके लिए फ्लेचिंग टेबल बनाना होगा। और अगर एक बार वो फ्लेचर बन गया तो मैं उससे स्टिक्स ट्रेड करके इनफाइनाइट एमरल्ड ले सकता हूँ। स्टिक्स तो आपको पता ही है यार, मतलब कितनी इजीली किसी भी पेड़ को तोड़ के मैं स्टिक ले सकता हूँ। बट फ्लेचिंग टेबल बनाने के लिए ना मुझे दो फ्लिंट चाहिए होगा, और फ्लिंट हमें मिलेगा ग्रेवल से, तो इजीली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक ये बहुत मस्त रुइंड पोर्टल है। ओह नाइस, इसके अंदर मुझे गोल्ड मिल चुका है और बहुत सारा आयरन है। तो अभी ना अपना काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पर, और मैं ना एक शवल बना लेता हूँ, क्योंकि ग्रेवल को अगर हम शवल से तोड़ेंगे तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी मुझे फ्लिंट मिल जाएगा। अब बस मुझे फटाफट से चल के ना ग्रेवल ढूंढनी होगी। जहाँ पे विलेज ना, ये पीछे वाले साइड पे एक केव थी, केव के अंदर चल के देखता हूँ ग्रेवल यहाँ पर मिल जानी चाहिए। वैसे नदी के अगल बगल भी मिल जाती है नॉर्मली। बाकी हाँ, मैंने टॉर्च ले रखा है, काफी अंधेरा है अंदर। क्या ग्रेवल, ओ वेट, यहाँ पर ग्रेवल ही ग्रेवल है। मुझे दो फ्लिंट चाहिए और फ्लैचिंग टेबल बन जाएगा। मेरे को एक फ्लिंट मिल चुका है बस मुझे। ओ नाइस, मेरे को दो फ्लिंट मिल गए, लेट्स गो, अपना काम हो गया। अब बस मुझे थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी करनी है ताकि मैं फ्लेचर के साथ स्टिक ट्रेड कर सकूं। फटाफट इन भाई सब जी के ना घर को तोड़ के लकड़ियां निकाल लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ना चार प्लैंक्स भी चाहिए। ये रखा क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर, और इससे मैंने बना लिए ढेर सारे प्लैंक्स। इन प्लैंक्स को मुझे रखना है यहाँ और ऊपर रखना है फ्लिंट, और ये बन गई फ्लैचिंग टेबल। अब ये फ्लैचिंग टेबल मेरे को ना किसी नल्ले विलेजर को पकड़ा के उससे स्टिक ट्रेड करनी है। पहले चलता हूँ इसके घर पे, फिर इसके घर पे, यहाँ पर, और ये हम लोग उतर गए पूरे बड़े माउंटेन से। बाकी यहाँ पर इन सबके पास तो अच्छी खासी जॉब है। चलो भाई आज से तुम्हारा काम खत्म, ये काम नहीं करना। चलो भाई इनकी जॉब मैंने हटा दी, कोल्ड ड्रोन तोड़ गए, हट गई ना। चलो अब बन जाओ तुम, इधर आ जाओ, ये फ्लेचर बनो फटाफट से। बना नहीं, हेलो भाई साहब, इनका काम करने का मन नहीं है। ये शायद से ये लोग ताजे ताजे नौकरी से निकले हैं, इसलिए इनका मन ही नहीं कर रहा काम करने का। ले भाई फ्लेचर बन। अरे अकड़ आ गए यार विलेजर में, फ्लेचर ही नहीं बनने को राजी। ये फार्मर कुछ ज्यादा ही मस्ती में काम कर रहा है। चल भाई इसकी जॉब छीन ली, अब तू बन जा फ्लेचर। अरे ओ बन गया बन गया बन गया बन गया, स्टिक ट्रेड कर रहा है, लेट्स गो। 32 स्टिक में हमें एक एमरल्ड दे देगा, और मेरे पास अभी 32 स्टिक नहीं है। रुक जा, मैं थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ के लाता हूँ, पहले इन्हीं के घर से तोड़ के इन्हीं को माल बेचेंगे। तो फटाफट से ना मैं एक स्टोन का एक्स बना लेता हूँ, इससे काफी जल्दी जल्दी मैं सारी की सारी वुड तोड़ डालूंगा। ओके, तो इनके घर की मैंने सारी की सारी लकड़ियां निकाल डाली है। और वेट, ये कलेक्ट कैसे नहीं हुई, एक सेकंड, आ जा, हाँ हो गया अपना काम। अब फटाफट से ना मैं स्टिक्स बनाता हूँ, इसके साथ ट्रेड करके एमरल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को ये रखना है यहाँ पर, और उसके बाद इन्हें रखना है यहाँ। स्टिक्स आ गई बहुत सारी, और यहाँ पर ये रख के बहुत सारे स्टिक आ गए। चलो भाई साहब एमरल्ड दे दो, ले आओ एक एमरल्ड, दो एमरल्ड, और बस मेरे पास और स्टिक है बाय द वे, तो और एमरल्ड दो। नाइस, तो भी मेरे पास पांच एमरल्ड हो चुके हैं। और वो जो विलेजर है वैसे भी मेरे को दो एमरल्ड में तो ढेर सारा वुड लाके दे ही रहे ना, तो एक काम करूंगा, पहले उससे वुड मंगवाऊंगा, उससे वुड मंगा के इससे स्टिक ट्रेड करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग भाई इनफाइनाइट एमरल्ड भर जाएगा भाई बिल्कुल। तो अभी ना मुझे फटाफट से ढूंढना होगा माइनर को, पता नहीं यार वो कहां चला गया, लास्ट टाइम यहीं से उतर के गया था, मुझे भी उससे ट्रेडिंग करनी है। और ओ भाई साहब जी मिल ही नहीं रहे, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, ये विलेज भी बहुत ज्यादा ही बड़ा है। ओह वेट, वो फार्म पर इधर उधर चेकिंग कर रहा है भाई साहब, फार्मिंग भी सीख रहा है शायद से, लग रहा सारे काम ही कर डालेगा अकेला। फिलहाल हाँ अभी मेरे को इससे करनी है और ट्रेडिंग से काम देना है, तो मैं अगर इसे दो एमरल्ड देता हूँ तो मेरे को ये, पहले एक काम करता हूँ, स्टोन ना बाद में लेंगे, पहले इसे ओक लोग मंगवाते हैं। मैंने दो एमरल्ड इसने मेरे से ले लिए और मेरे को दिया है ओक लोग रिसिप्ट, जब ये सब कुछ तोड़ के ले आएगा फिर मुझे इसे रिसिप्ट देनी है। बाकी अभी ये क्या कह रहा है, आई नीड अ स्टोन एक्स। वेट, तेरे पास एक्स ही नहीं है, पिकेक्स तो है। यार रुक जाओ, इसको मुझे ना अभी स्टोन की एक्स बनाकर देनी होगी, फिर ये आगे जाने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कॉबल स्टोन है, इसको तोड़कर इसके लिए एक्स बनाकर दे देता हूँ, फिर शायद से हमारे लिए काम करने जाएगा, ताकि मतलब मेरे पीछे पीछे आ रहा है। नाइस, तो मेरे को इसे, रुक जा, ये री दो स्टिक ये लिया, और ये मैंने बना दी स्टोन की एक्स। ले भाई सब्जी, ये इसको मैंने दे दी, और इसके पास एक्स जा चुके हैं, जा आप काम कर निकल। मेरे को अब भी क्या अभी चाहिए 32 लॉक्स, पता नहीं यार कितनी देर लगाने वाला है। बट हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है ये रिसिप्ट, मुझे ये संभाल के रखनी है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके बिना ये मेरे को सामान देने नहीं वाला। कहाँ गया, अबे वेट, मैं तो देखा ही नहीं, गायब हो गया क्या वो अचानक से, एक सेकेंड, इधर उधर ही गया होगा। ओ वेट, वो देखो सामने गया, वो वुड तो भाई कितने मस्त तरीके से इकट्ठी कर रहा है उसने, पूरा का पूरा पेड़ तोड़ डाला। नाइस, थोड़ा स्लो है बट जल्दी जल्दी, वैसे मतलब भागने में स्लो है पर वहां जाके काम फुल स्पीड में कर रहा है भाई। चलो देखते हैं इसे थोड़ा सा, जब तक वैसे मैं बाकी काम कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान रखते मैं अपना चिल कर सकता हूँ आराम से, इसे काम करने दो पूरा। ओके, इसने वाला पेड़ तोड़ डाले और शायद से भी इस बेचारे को और पेड़ नजर, ओ मिल गया मिल गया, थोड़ी सी इसकी नजर कमजोर है बट हाँ ढूंढ लेता है जैसे तैसे करके बनना। वैसे हाँ यार, मैं सोच रहा था कि अपने पास ना अभी एक ही माइनर है, क्यों ना माइनर टेबल एक और बनाया जाए और एक माइनर और लाया जाए, फिर हम लोग एक से लकड़ियां तोड़वाएंगे किसी को, पत्थर तोड़ने तोड़
रिसोर्स भेजेंगे, किसी को आयरन, किसी को डायमंड, मल्टीपल काम होंगे एक ही बार में। ओ भाई अंधा, अरे अच्छा वैसे अभी नहीं, अंधा तो नहीं है भाई, पेड़ वैसे सच में दूर दूर ही है। और समझता आ रहा है उल्टा थोड़ा, अपने विलेज वाले इसने पेड़ नहीं तोड़े, भाग कर आया अलग से जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए। तो चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी उसको ना काम करने देते हैं। मैं जा रहा हूँ एक और माइनर टेबल बनाने के लिए, ताकि हम लोग एक और माइनर को लाएं और उससे भी एक्स्ट्रा काम करवाएं। वैसे यार ये वाला विलेज सचमुच में बहुत प्यारा है, एक अलग ही माउंटेन पे हर एक लेवल की हाइट पे घर बने हुए हैं। ओके तो अभी हमने एक और विलेजर को माइनर का जॉब दे दिया है, अब फटाफट से हम लोग इसको दो एमरल्ड देते हैं और कोबलस्टोन माइन करने के लिए भेज देते हैं। तो इस माइनर ने भी मुझे एक रिसिप्ट दे दी है जिसका नाम है कोबलस्टोन रिसिप्ट। तो भाई फिर फटाफट से निकल ले, काम करने चले जा, देखते हैं कि आखिरकार ये किस स्टोन को जाके तोड़ने वाला है। वैसे अच्छी बात तो ये है कि भाई हमें इसे कोई स्टोन पिकैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके पास ऑलरेडी है, वरना लास्ट टाइम की तरह तो भाई वो बंदा मेरे से ही एमरल्ड लेके मेरे से ही एक्स मांग रहा है। और ये क्या अंधा है क्या, इतने सारे स्टोन है पर इस भाई साहब को एकदम केव के अंदर आके काम करना है। इसने स्टोन ढूंढ लिया, अबे ये पागल है क्या, आई नीड अ स्टोन पिकैक्स, तेरी भैंस की टांग भाई, इसको भी मेरे को स्टोन पिकेक्स ला कर देना, ला दे यार बनाओ भाई, कैसे कैसे घटिया आदमी इतनी नकली सी पिकेक्स लेकर घूम रहा था। फटाफट से इसके लिए स्टोन पिकेक्स बनाते हैं, मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी वहीं पड़ा हुआ है, नया बनाना पड़ेगा। एक सेकंड, अबे रो क्यों रहा, चुप, ओए नहीं नहीं लावा में नहीं, आराम से कुछ कुछ भाई, कोई बात आराम से, तेरी भैंस निकल, दूसरा आ जाएगा, चल भैंस की टांग दूसरा बना लेंगे भाई। एक नकली था, नकली सी पिकेक्स लेकर घूम रहा है। अभी मेरे को एक और विलेजर को लाना होगा और उसे जॉब देनी होगी यहाँ पे। बाय द वे अभी यार मुझे कोई भी ऐसा विलेजर नहीं दिख रहा जिसके पास कोई जॉब ना हो, मुझे उनके वर्क स्टेशन तोड़ने होंगे। और एक सेकेंड, जिसको इधर 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 भाई, इसको हमने वुड माइन करने भेजा था शायद से, लेकर आ गया है, मेरे को इसे रिसिप्ट देना है। ये कॉबलस्टोन है, ये ओक लॉग वाला, ले भाई तेरा रिसिप्ट तेरे पास। और वेट, इसने मुझे लॉक्स दिए और प्रॉपर 32 लॉग, लेट्स गो। मैं तेरे को और काम देना चाह रहा हूँ बट मेरे पास अभी एमरल्ड नहीं है। ओ, एक बंदा ऑटोमेटिकली जाके माइनर बन के आ गया, नाइस। तो अभी अपने पास दोबारा से दो माइनर हो चुके हैं, उसको तो मैंने मार दिया था, बट हाँ मेरे को भी फ्लेचर, फ्लेचर, फ्लेचर कहाँ है भाई। ये जितने भी लॉक्स हैं ना, इन सभी लॉक्स से मैं बनाऊंगा स्टिक और फ्लेचर के साथ ट्रेड करूंगा। कहाँ चला गया यार भाई साहब, एक तो ये मेरे को फ्लेचर नहीं मिल रहा है और सामने देखो भाई इन विलेजर्स का अलग ही सीन चल रहा है। वेट वेट, आवाज आई, अबे कहाँ गया हुआ था भाई, जंगल घूमने गया था क्या, फिलहाल ये आ चुका है। मेरे को एमरल्ड चाहिए तेरे से, एक सेकंड रुक जाए, जितना भी है ना ये सारे का पहले मैं प्लैंक्स बनाता हूँ और इससे मैं बना लेता हूँ ढेर सारे स्टिक्स। भाई ये तगड़ा बिजनेस है, इससे स्टिक लेके एमरल्ड बनाऊंगा और फिर उसको दोबारा से भेज दूंगा वुड लेने के लिए। कहाँ गया, ओए अरे भाई साहब ये अलग ही टाइम पास आदमी है, फिर चला गया कहीं घूमने। लचर यहाँ क्या कर रहा है मेरे भाई, इधर ये ले फटाफट से स्टिक दे। वैसे ही ना ये मेरे को दो एमरल्ड में एक बो भी बनाकर देगा, तो पहले तो इससे एमरल्ड ले लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ओके तो अभी फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 9 एमरल्ड्स हो चुके हैं और अभी मैं इन माइनर्स से बहुत सारा काम करवा सकता हूँ। ये लोग शायद से भी फार्मिंग सीख रहे हैं, इधर आओ पहले मेरे लिए काम करो। एक सेकंड, ये रिसिप्ट, अरे कॉबलस्टोन वाली रिसिप्ट का मैं क्या करूंगा, उसको तो मैंने मार दिया, वही मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ से आई, इसको पैक किया हुआ है किस काम की नहीं अब। अरे भाई 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 रुको, तुमसे काम है मेरे को, वुड, इसको तो वुड, तू वुड ही कर भाई, ला मैंने इससे रिसिप्ट ले लिया, इसको अपना वुड माइन करने भेज देते हैं क्योंकि इसके पास एक्स है, अब मेरे को नहीं बनाकर नहीं देनी होगी। ये एक दूसरा, अरे भाई रुको, इधर आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और लास्ट नाइट मैं फटाफट से आके सो गया था ताकि दिन हो जाए, क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स, स्केलेटन्स वगैरह स्पॉन हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि अपने माइनर को कोई भी नुकसान पहुंचाओ। भाई रुको, तो चला आज काफी सारा काम है मुझे। तो देखो लास्ट टाइम मैंने इसे वुड तोड़ने के लिए भेजा था और अभी ये आयरन अनलॉक हो चुका है, यानी ये अपग्रेड हो गया है और अब मैं इसे आयरन माइन करवा सकता हूँ, लेकिन ये 4 एमरल्ड मांग रहा है, बट ठीक है यार 32 आयरन बहुत होता है। तो चलो फटाफट से निकल लो आयरन माइन करने और अपना दूसरा, ओ वेट, वो देखो दूसरा वाला माइनर यहाँ पर घूम रहा है, रुक जा भाई। तो भी फटाफट रुक जाओ, तो भी फटाफट इससे भी बात करते हैं और ये इसका लेवल अप नहीं है तो मैं इससे कॉबलस्टोन ही मंगवा लेता हूँ, 2 एमरल्ड में ले आएगा। चल भाई फटाफट से निकल ले, दोनों की रिसिप्ट मुझे मिल चुकी है और आई नीड अ स्टोन पिकेक्स। भाई क्या घटिया आदमी, तुम 2 मिनट रुक, बना कर दे रहा हूँ, कुछ सामान ही नहीं होता यार इन पे, बट कोई नहीं अपने पास है तो मैं इसे बना कर दे सकता हूँ। ये बन गई स्टोन पिकेक्स और ये ले जल्दी से जाओ और माइन कर, क्या दिमाग मत खराब करियो। और वो माइनर, इसको देखो भाई, ये तो अपना स्टोन लेने वहीं पर जा रहा है केव में, लावा में चल के, ओ वेट वो भी वहीं पर है, लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि आखिरकार ये आयरन ढूंढ भी पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इतना भी ज्यादा ऐसा कॉमन तो होता नहीं है कि मतलब आयरन ऐसे जाते मिल जाएगा। और वेट भाई बंदा तगड़ा है यार, इसने ढूंढ लिया है, काफी स्लो है,
32 आयरन, 32 आयरन इसे माइन करने और पता नहीं कितना ही टाइम यहाँ पर लगने वाला है। 4-5 तो से यहीं पर मिल जाएगा, बाकी उसके आगे का ये कैसे ढूंढने वाला है ये मुझे नहीं मालूम। नहीं यार, इसकी किस्मत काफी ज्यादा सही है, ये आगे काफी मस्त ओपन एरिया है, तो ये आगे जाकर अपना कुछ ना कुछ ढूंढ डांडी कर लेगा। वैसे हाँ, जब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना स्टोन तो है ही और बहुत सारा कोल भी है, मैं एक फर्नेस बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ना फूड तो बहुत सारा पड़ा हुआ है बट कुक कुछ भी नहीं है, तो कुक फूड मिल जाएगा बहुत सही रहेगा। तो ढेर सारा स्टोन एंड कोल मैं यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ। इसको देखो भाई, ये यहाँ पर भी आ गया, आ गया, आयरन खत्म है मेरे भाई। वही कहाँ जा रहा है ये? वेट, वो बहुत बहादुर है यार, ये तो कहीं से भी जा रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा परेशान है, मैं नीचे का जा रहा, वापस भी नहीं आ पाएगा। बाकी ठीक है भाई, मैं अपने स्टोन तोड़ने में बिजी हूँ, तो उसे ही तोड़ते हैं। फिलहाल मेरे पास 13 कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुका है, मैं एक क्राफ्टिंग टेबल यहीं पर बना लेता हूँ। इस क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पर और इससे बना लेता हूँ एक फर्नेस को। ये लिया फर्नेस, इन फर्नेस को रखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर डाल देता हूँ कोल और जितना भी फूड है सारा का सारा इसमें रख देते हैं। और वो हो गया भाई नीचे, अबे और नीचे जाएगा क्या? वहाँ पे स्पाइडर है, पर हाँ यार वो स्पाइडर वगैरह विलेजर को थोड़ी मारती है। विलेजर्स को तो यार सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज मारते हैं, तो इनको टेंशन नहीं है ना, आराम से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो भी ठीक ठाक फूड यहाँ से कुक हो चुका है, मैं इसको जल्दी से ना खा लेता हूँ। और मेरे को ना भी कुछ और फर्नेस बनाने हैं और थोड़े बहुत स्टोन के टूल भी बनाने हैं, क्योंकि अभी तक ना मेरे पास स्टोन की स्वॉर्ड नहीं है, स्टोन के पिकेक्स तक नहीं है मेरे पास। तो जिस विलेजर को हमने स्टोन का काम करने के लिए दिया था ना, फटाफट से उसके पास चलते हैं और उससे ढेर सारा स्टोन ले लेते हैं। बट वेट, आया तो वो यहीं पर था यार, बाहर तो नहीं चला गया वापस? एक सेकेंड भाई, तो अंडरग्राउंड पूरी डिगिंग करता हुआ गया है और पूरा अंदर तक चला गया ये स्टोन लेता हुआ, बट यहाँ पर वो गायब है। वो रहा, अरे बेचारा पानी में अटका हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा। आ जा भाई, आ जा, जा रुको, इसके लिए पानी मुझे बंद करना होगा और अब ये आ पाएगा। बेचारे थोड़े से कमजोर दिमाग के हैं, बट कोई नहीं। अच्छा, अभी दोबारा से काम पर लग गया है। अबे अच्छे से नहीं, इतने सारे स्टोन ऊपर है, इसको नीचे आने की क्या जरूरत है? बाकी देखते हैं, जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली स्टोन तोड़ना बंद कर देगा और मेरे पास आकर बस मेरे को इसे रिसिप्ट देनी है। चलो ठीक है, जब तक ये अपना काम कर रहा है मैं चल के ना थोड़ा बहुत कोल वगैरह ढूंढ लेता हूँ और कुछ स्टोन भी माइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये सचमुच में मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी कोल पता नहीं कहाँ मिलेगा। वेट, इसका शायद से काम कंप्लीट हो गया है, तभी ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है इस टाइम पर। तो अभी मेरे को बस इसको इसकी रिसिप्ट देनी है और ये मुझे कोबलस्टोन दे देगा अपने सारे के सारे। लेट्स गो, सारा कोबलस्टोन आ चुका है, पूरा एक स्टैक। चल भाई थैंक यू। ओए कहाँ जा रहा है? अच्छा ये वापस अपने घर पे चले जाएगा अब। वैसे हाँ, मेरे को कोल पता है इसलिए चाहिए क्योंकि जितना भी वो आयरन लाकर देने वाला है ना दूसरा वाला विलेजर मुझे, वो सारा का सारा आयरन रॉ आयरन होगा, तो मुझे उसे स्मेल्ट करने के लिए कोल बहुत सारा चाहिए। भाई साहब रात होने वाली है, बट ये माइनर पता नहीं किस घर में जाके सो गया, मिल ही नहीं रहा। बट एक सेकेंड, जिस माइनर को हमने आयरन माइन करने भेजा था वो यहाँ पर आ चुका है। रुक जा यहीं पर हूँ मैं, तो मुझे इसे आयरन रिसिप्ट देनी है और उसके बदले ये मेरे को आयरन दे देगा ढेर सारे। लेट्स गो, तो मेरे को यहाँ पर आयरन मिल चुके हैं और 32 आयरन हो गए हैं। चेक करते हैं कि आखिरकार इसका नेक्स्ट क्या अनलॉक हुआ है। ओके, तो पहले हमें कोबलस्टोन एंड लॉक से रहा था, फिर उसके बाद इसने हमें आयरन दिए और अब ये मुझे डायमंड भी माइन करके देगा अगर मैं इसको 16 एमरल्ड्स दूंगा तो। भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वेट एक काम करता हूँ, इसको ना मैं वुड लेने के लिए भेज देता हूँ। तो ये मैंने इससे ले लिया रिसिप्ट और मेरे पास अभी बचा एक एमरल्ड, तो दूसरा वाला माइनर भी यहीं कहीं पर घूम रहा है। एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं चलता हूँ उसके पास और उसको भी वुड लेने के लिए भेज देंगे, बट पहले मुझे यार थोड़े से ना एमरल्ड चाहिए होंगे और एमरल्ड लेने के लिए मुझे थोड़ी सी स्टिक्स चाहिए होगी, तो मैं इनकी थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ लेता हूँ। डन, तो यहाँ से मैंने ढेर सारी वुड इकट्ठी कर लिया, फटाफट से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग स्टिक्स में। ये रखे प्लैंक्स और आगे ढेर सारी स्टिक, और अभी मेरे को ढूंढना है फ्लेचर को। फ्लेचर का टेबल यहाँ पर है, यानी वो उसके किसी आसपास वाले घर में जाकर सो रहा होगा। ये रहा, चल भाई उठ, मेरे को फटाफट से ना एमरल्ड दे दे, ज्यादा नहीं बस दो चाहिए। और अभी मेरे को जाना है उस माइनर के पास, उसको भी वुड लेने के लिए भेजते हैं ताकि हमारे पास भर भर के एमरल्ड्स हो जाए। ये घूम रहा, इधर आओ सर, वह ये सोने ही जा रहा था शायद से, इधर आओ। चलो तो अभी मैं इसको भी वुड लेने के लिए भेज देता हूँ। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं इनसे वुड मंगवा लूंगा और ढेर सारा वुड आ जाएगा तो मैं ढेर सारे स्टिक्स बना लूंगा और उस स्टिक्स से हम लोग फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और मेरे पास ढेर सारे एमरल्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। फिलहाल इन लोग को जाने देते हैं, मैं चलकर सो जाता हूँ जब तक के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है, फटाफट से चलते हैं अपने माइनस को ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो कहां पर वुड तोड़ने के लिए गए हैं। वैसे मेरे पास ना बहुत सारा आयरन हो चुका है, मुझे पहले उसे स्मेल्ट करना चाहिए। बट वेट, मैं इनको थोड़ा बहुत देखना चाह रहा हूं। वो सामने गया, माइनर गिर गया क्या नीचे गड्ढे में? एक सेकंड, इसको भाई साहब को इतनी ज्यादा आसपास कोई ट्री नहीं दिखा, इनके पास भी तो इतनी सारी वुड है। बट अरे क्या हो गया भाई, अंधा है क्या? ये ले इधर से आ। ऐसा इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा था ये। बाकी हाँ, सामने बहुत सारे ट्री हैं, फटाफट से मैं भी इनके साथ चलता हूँ। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा सामान है, वहीं पर एक फर्नेस बना लेंगे और उसके अंदर वुड डाल के सब कुछ स्मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा फूड भी है। अब सब कुछ हो चुका है, आयरन हो चुका है, पर मैं सोच रहा हूँ इनसे ना डायमंड भी माइन करवा लिया जाए, फिर उसके बाद डायमंड के सारे टूल बनाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नेदर में। और उसके पागल हो गए, दोनों एक ही ब्लॉक तोड़े जा रहे, भाई क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड,
आई नीड अ स्वॉर्ड। वेट, ये काम तो मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज में, एक सेकंड रुक जा। भाई स्वॉर्ड किस लिए मांग रहा है, मुझे सचमुच में जानना है, बहुत जरूरी काम लग रहा है मेरे को। मेरे पीछे पीछे आ रहा, रुक जाओ, एक क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बना लिया स्टिक, और इस स्टिक पर रुक जाओ। चलो तो एक स्टोन की स्वॉर्ड मैंने बना लिया, फटाफट से इसको दे देते हैं। और वो देखो वो वुड माइन कर रहा है, ये सचमुच में उसे मारने जा रहा है। अरे नहीं 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 मारना नहीं मारना ओ भाई, दोनों कंफ्यूज हो गए भाई। अब अलग अलग पेड़ तोड़ो, इसको मैं दूर कर देता हूँ, ये अपने आप ही इसको डिटेक्ट हो जाएगा। पास वाला पेड़ सबसे नियरेस्ट ना ट्री, इनको यही वाला दिखा होगा, दोनों एक ही तोड़ने लग गए, बट अभी थोड़ी सी शांति है। लेट्स गो। चलो ठीक है, जब तक ये लोग अपना काम कर रहे हैं मैं फटाफट से ना एक फर्नेस बनाता हूँ, और सारी चीजें ना हम लोग स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे को। अपने लिए प्रॉपर एक आयरन का आर्मर बनाना है, और फटाफट से निकलना है नेदर में। तो यहाँ पर आधा आयरन रखता हूँ इसके अंदर, और आधा आयरन रखा इसके अंदर, और स्मेल्टिंग के लिए मैं अभी तो फिलहाल वुड डाल देता हूँ, कोल मेरे पास क्योंकि बचा नहीं है। और एक फर्नेस में उस वाली केव में ही भूल आया भाई, उसके अंदर मैंने बहुत सारा फूड रखा था, और भी मुझे नया फूड इकट्ठा करना होगा। चलो तो यहाँ से मुझे तीन चार आयरन मिल चुका है, और अभी ये लोग कहाँ चले गए भाई, वुड तोड़ते तोड़ते। स्टिक्स मेरे को मिल रही है, ले लेता हूँ, काफी सारी है। तो लड़ाई तो नहीं कर रहे ना भाई, एक दूसरे को मारना, बस बस आराम से यहाँ पर वुड तोड़ते रहो, वो ज्यादा बढ़िया है। मेरे पास स्मेल्ट करने के लिए ना बस ये स्टिक्स है, वूल पड़ा हुआ है बहुत सारा, यही सब रखते हैं, कोई बात नहीं, जब तक स्मेल्ट होगा। वैसे हाँ, इनका भी काम शायद से कंप्लीट हो गया, एक ये वाला विलेजर मेरे पास आ रहा है, मुझे बस इसे रिसिप्ट देनी है और अपना काम हो जाएगा। ले भाई अभी मेरे को इससे 32 ऑक लॉग्स मिल जाएंगे, डन। तो दूसरे वाले विलेजर से भी मैंने सारे के सारे ऑक लॉग ले लिए हैं, और अभी मैं इसको ना इसके अंदर रखवा देता हूँ, आधे इसमें और आधे इसमें। इतने में तो यार सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो जाना चाहिए, बाकी सब कुछ कलेक्ट करके मैं अपने आर्मर यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले आर्मर नहीं, सबसे पहले जरूरी है बकेट, बाकी थोड़े से नगेट्स हैं, नगेट्स रख के भी एक इंगेट बन जाएगा। तो अभी ना मुझे मेनली बनानी है सबसे पहले तो एक पिकैक्स, फिर उसके बाद मेरे को बनानी है एक एक्स, ये भी जरूरी है, और फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक स्वॉर्ड, बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। ढेर सारा आयरन भी स्मेल्ट हो गया, तो फटाफट से मैं एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, एक हेलमेट बना लेता हूँ। 7 आयरन मेरे को चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक पेंट बनाने के लिए, तो ये बन गई पेंट, और जो बाकी चीज है वो मैं बनाने वाला हूँ रुइन पोर्टल से गोल्ड तोड़ के, बाकी सब कुछ स्मेल्ट हो गया, और स्मेल्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल ये जो 46 है इससे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो जो भी आर्मर मैंने बनाए हैं सारे के सारे पहन लेता हूँ। चलो तो अभी इन्वेंटरी भी फुल सॉर्ट हो चुकी है, फटाफट से सारी की सारी चीजें तोड़ते हैं और चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग करने एमरल्स की फ्लेचर के साथ। और फूड अभी मेरे पास थोड़ा सा कम हो चुका है, तो रस्ते में जितने भी मेरे को ये आने वाले हैं इनको मैं मार के थोड़ा बहुत फूड और इकट्ठा करूंगा। ओके तो मैं वापस आ चुका हूँ विलेजर पे, फटाफट से ढूंढते हैं फ्लेचर भाई साहब को। वो घूम रहे ऊपर, मेरे को इससे बस स्ट्रिक्स ट्रेड करनी है और मेरे को एमरल्ड मिल जाएंगे, फिर मैं अपने माइनर को भेजूंगा डायमंड माइन करने के लिए। वेट एक सेकंड रुक जा भाई, ये मैंने बनाए प्लैंक्स और इसको रखा यहाँ पे, ये रखा यहाँ पर, और आगे बहुत सारे स्टिक्स। चलो तो जितनी स्टिक्स पॉसिबल थी मैंने सारी बना लिया है, और कहाँ चला गया भाई, रुक जा। तो ला भाई एमरल्ड दे यार, वैसे सचमुच में बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं, 32 बहुत ज्यादा होता है, बट कोई नहीं, मेरे को 8 एमरल्ड तो मिल ही जाएंगे इतने में, और मेरे को 8 ही चाहिए, क्योंकि 8 नहीं सॉरी मेरे को 16 एमरल्ड चाहिए। जहां तक मुझे याद है वो 16 एमरल्ड के बदले मेरे को देने वाला था। तो ये देखो, ये 16 एमरल्ड के बदले मुझे 8 डायमंड्स देने वाला था, मैं भूल गया था सचमुच में, और अभी मेरे पास 12 एमरल्ड्स हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत स्टिक तो इनके घर की लकड़ियां तोड़ के इकट्ठी हो जाएगी। इन बेचारों के साथ भी यार कितना बुरा स्कैम हो रहा है, इन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं और इन्हीं को लूटा जा रहा है। छी यप, तो ढेर सारा यहाँ पर उस टाइम पर वो इकट्ठा हो गया। फटाफट से दोबारा से स्टिक बनाते हैं जितनी पॉसिबल है, ये रखा यहाँ, ये रखा यहाँ, और अभी भी काफी सारे स्टिक बन चुके हैं, शायद से इतने में 4 एमरल्ड तो आ जाने चाहिए। और फ्लेचर ने तो भाई अपना घर फिक्स कर रखा है, कुछ भी हो वो यहीं पर आकर सोता है। ला भाई अब जल्दी से मेरे को, ओ रेट कम हो गए 32 से 31, ये काम पहले कर लेता कितने सारे एमरल्ड मिलते एक्स्ट्रा, बट कोई नहीं, अभी मेरे को टोटल 16 एमरल्ड चाहिए थे, आ चुके हैं, जो कि टोटल 17 हो गए। थैंक यू भाई, तूने आज बहुत हेल्प करी है। माइनर तो भाई से मेरे को लग रहा सोने ही नहीं जाते हो, देखो घर के अंदर झांक रहा है खिड़की से। फटाफट से चलकर हम लोग इसके साथ करते हैं ट्रेडिंग। ला भाई डायमंड लेने जा, और मैंने इसको सारे एमरल्ड, भाई कितने ज्यादा एमरल्ड लिए वैसे, बट 8 डायमंड बहुत ज्यादा होते हैं। आई नीड आयरन पिकेक्स, यार मैंने अभी बनाई थी, चल कोई बात नहीं, तू ले ले, तू भी क्या आदर है, इसको आयरन पिकेक्स देते हैं। सीधी सी बात है, डायमंड ओर तोड़ने के लिए ना आयरन की पिकेक्स चाहिए होती है, और वापस उस बड़ी वाली माइन के अंदर जा रहा है। ठीक है इसको जाने देते हैं, मेरे पास अगर 2 एमरल्ड होते ना तो मैं पक्का, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 2 एमरल्ड ले सकता हूँ। वुड अगर अपने पास रहेगी तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि दूसरा वाला माइनर खाली घूमे, तो थोड़ी बहुत वुड यहाँ से ना ओर तोड़ लेता हूँ, और फटाफट से मैं बना लेता हूँ इसकी स्टिक्स, यहाँ पे रख के बन के स्टिक, और अभी इसके साथ कर लेते हैं ट्रेड। लाओ सर एमरल्ड, अरे अरे अच्छा ये कह रहा भैया मैं एमरल्ड ट्रेड कर करके थक गया। तो देखो गाइस अभी बाकी सब कुछ रेडी है, बस अगर मुझे चाहिए तो वो है फूड और एक पिकैक्स, आयरन की थी बट अपना किस्मत खराब थी वो मुझे देनी पड़ गई उसे, पर अभी मैं सीधा डायमंड की स्वॉर्ड पिकैक्स सब कुछ बना लूंगा। फिलहाल अभी चल के ना मुझे एक लावा पूल ढूंढना है, और मेरे को बनाना है एक नेदर पोर्टल, उसके बाद मैं जाऊंगा नेदर में। तो चलो अभी सारा काम हो चुका है, थोड़ी देर में वो मेरे लिए डायमंड्स भी लेकर आ जाएगा। ओ वेट यहां पर उनको आयरन मिल गया थोड़ा सा, नाइस एक ही आयरन मिला, एक ऊपर वहां पर लगा हुआ है, इसको भी मैं तोड़ लेता हूं। अपना ना एक बहुत मस्त काम हो जाए,
जाएगा। मेरे को ना इस टाइम पर चाहिए था एक आयरन पिकैक्स, क्योंकि अपना वाला तो मैंने उसे दे दिया था, तो यहाँ पर तीन आयरन हो गए। अब मैं अपने लिए भी एक आयरन पिकैक्स बना लूंगा। और हाँ, मेरे को जाना है नेदर में, बट मेरे पास ना ज्यादा फूड नहीं है, तो फटाफट से चल के जितने भी फर्नेस लाया हूं ना उन सबको मैं यहाँ पर रखता हूँ और ढेर सारा फूड। वेट, ये भाई साहब ये वाला माइनर तो अलग ही बच्चा है, हर जगह अटकते ही रहता है, अभी भी नहीं निकल पाएगा। सीरियसली कितना सी, अब निकल। अबे रुक जा, वैसे मेरे को पानी चाहिए था, मैं लेके ही आ जाता हूँ। कहाँ है पानी, आ कहाँ से रहा है ये। लेट्स गो, सारा कलेक्ट कर लिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था फटाफट से ना काम करते हैं, फर्नेस में यहाँ पर रख देता हूँ। ये रखा एक फर्नेस इधर, एक इधर, और मुझे कोल चाहिए था, ये भी प्रॉब्लम है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढेर सारा स्टिक है, दोनों में स्टिक डाल देता हूँ और फूड डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी कुक हो जाएगा, अपने पास फूड भी हो चुका है। चलो, तो तीन आयरन गेट हो गए हैं और मैंने अभी अपने लिए एक आयरन का पिकैक्स बना लिया। इस आयरन के पिकैक्स को मैं यूज करने वाला हूँ बड़े वाला गोल्ड ब्लॉक तोड़ने में। अब तो इसको यहीं से तोड़ डालते हैं, वैसे मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। ओ नाइस, पहली बार नीचे आया ऐसे। तो चलो गाइस, फाइनली सारा काम हो चुका है, जितनी चीजें मैंने इसमें रखी थी सारी की सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मुझे निकलना होगा फटाफट से एक लावा पूल ढूंढने के लिए, ताकि मैं उसमें पोर्टल बना के नेदर जाऊं। और वेट, ये हो गया ना, चलो सब कुछ कलेक्ट कर लिया, इसको भी तोड़ते हैं। और अब मेरे को जाना है ब्लेज रॉड इकट्ठी करके लानी है, बाकी अपना माइनर अभी तक डायमंड माइन करके नहीं लाया। और उसको देखो, वो कहाँ चढ़ा हुआ है, ये गिरगुरा जाएगा भाई। बाकी यहाँ मेरे को लावा पूल ढूंढना है और फ्लिंट एंड स्टील बनाना पड़ेगा पोर्टल स्टार्ट करने के लिए। लावा पूल कहाँ पे मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं, बट हाँ ओपन फील्ड है। और एक सेकंड, सामने पंपकिंस है, मुझे लगा लावा चमक रहा है। मैं चाहूँ तो डिग करके अंडरग्राउंड भी जा सकता हूँ, क्योंकि वहां पर तो देखो लावा पूल होते ही है, बट अगर ऊपर मिल जाता है तो वो भी काफी ज्यादा आसानी हो जाती है फिर। वैसे यार कुछ भी कहो, ये जो जगह है ना जहाँ से अपना वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, ये सच में बहुत ज्यादा मस्त है। इतनी मस्त ओपन फील्ड और सामने इतना बढ़िया स्नो का माउंटेन, पीछे भी था सामने भी है। अभी मैं विलेज से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, इससे बढ़िया तो मैं उस माइनर के पीछे पीछे चले जाता, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा लावा था। ओके गाइस, तो फाइनली 10-15,000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लावा पूल वहीं पर आकर मिला है जहां से मेरा गेम स्टार्ट हुआ था। शायद उस टाइम पर मुझे दिखा ही नहीं होगा, बट अभी जल्दी से चलकर हम लोग लावा पूल बनाते हैं और निकलते हैं नेदर में। बाय द वे, मेरे पास फ्लिंट भी नहीं है, तो फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए मुझे अभी एक आयरन, वो मतलब ग्रेवल भी ढूंढनी होगी ताकि मैं बना पाऊं। बट सबसे पहले यहां पर रखते हैं स्टोन को, ये डाला पानी, और इसको तोड़ देते हैं, तो जल्दी जल्दी फ्रेम बन जाएगा। मुझे नीचे के दो ब्लॉक तोड़ने हैं, उस बकेट को उठा के डालना है यहाँ पे, फिर डालना है यहाँ पे। पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर बनाना है फ्रेम कुछ इस टाइप का, और दो ब्लॉक रखने हैं यहाँ पे और एक रखना है यहाँ पे। फटाफट से डालते हैं हम लोग यहाँ पर पानी, और बस मुझे अभी लावा उठा उठा के यहाँ पर डालते रहना है इधर। वही टॉर्च, वही मैं कहूँ, अबे यार टॉर्च चल गई मेरी, चलो कोई नहीं, यहाँ पर रख देता हूँ। एक रखना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और ये बन गया अपना पोर्टल। पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार जाने से पहले ना एक टॉर्च बना ही लेता हूँ, मतलब सही रहता है यार, पूरी पूरी में रोशनी रहती है, अंधेरा सा नहीं होता। और वेट, अपनी किस्मत कितनी अच्छी है, यहाँ पर ढेर सारी ग्रेवल है, फ्लिंट मिल जानी चाहिए कम से कम। ओ नाइस, मिल गई। चलो फ्लिंट एंड स्टील भी मैंने बना लिया है, पोर्टल को जल्दी से चल के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेदर में। मैं अपने लिए मस्त लैडर बना लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। देखो यार, यहाँ से मुझे जंप मारना है, मुझे नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना। काश जंप एक ही बार में परफेक्ट, लेट्स गो। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना छोटी सी जंप मारने में। वैसे अगर देखा जाए ना, मैं जितना चाहता छोटा हूँ, मेरी रेंज भी उतनी कम है। ये देखो, मैं वहां तक अटैक नहीं कर पा रहा, मतलब वहां तक जाना है तो मेरे को एकदम पास पहुंचना होगा, क्योंकि मेरे हाथ भी तो छोटे हैं ना इस टाइम पे। खैर ठीक है यार, अभी कसम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है स्टार्टिंग में, बट एक बारी मुझे फूड मिल जाए और मेरी हाइट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद इतना फूड इकट्ठा कर दूंगा ना भाई साहब, मैं पूरा जॉइंट बन जाऊंगा। तो फाइनली अब जाकर मुझे एक पेड़ नजर आया जो कि मेरे बहुत ज्यादा पास हो, बट एक सेकेंड यार, मैं इसको भी टच नहीं कर सकता। यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स तो हैं, बट अब इनको मारना इम्पॉसिबल है। देख रहे हो, वो भाग गए भाई, बहुत ज्यादा दूर भाग गए, उनका एक कदम मेरे लिए 10 कदम के बराबर है। शायद से मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्या मैं नीचे कूद के ट्राई करता हूँ शायद से, छोटा सा ही तो, एक बार ट्राई करता हूँ। और पैंस की यार, अभी ना मुझे कोई और ही जगह ढूंढनी होगी भाई, कसम से बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, पेड़ ही नहीं मिल रहा कोई जो कि मेरे लेवल पे ही हो। तो चलो गाइस, फाइनली अब जाकर मुझे एक पेड़ ऐसा मिला है जिसकी मैं वुड तोड़ सकता हूँ, वरना तो मुझे लग रहा था कि ये एपिसोड मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा। बट हाँ, अब फटाफट से इस वुड को तोड़ लेते हैं और जल्दी से कलेक्ट करके मुझे सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल बनानी होगी। ये देखना, ये तो मेरे सर पे गिर जाएगा, सर फूट जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले मुझे, मैं इसे तोड़ सकता हूँ? नहीं, हमारी इतनी हाइट भी नहीं है कि मैं अपने ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ पाऊँ, बट कोई नहीं, एटलीस्ट नीचे वाला। यार अब तो मैं ये वाला वुड भी नहीं ले पाऊंगा, देखना नीचे गिर गया था ये, बट अभी वो हमारी रेंज से बाहर हो चुका है। क्या मैं ये वाला वुड इकट्ठा कर सकता हूँ, इसे तोड़ने का ट्राई करता हूँ, शायद से हमारी पॉकेट में आ जाइए। आया, वो ऊपर आ गया, लेट्स गो। एक वुड आ चुका है फाइनली, और इसको तो मैं मार सकता हूँ, ये ज्यादा भाई साहब ये भी एक बिल्डिंग के बराबर ही है, बट फिर भी तुम्हारा भाई ट्राई करेगा। अरे रुको, ए अबे भाई
लैम्बोर्गिनी की स्पीड से भाग गई भाई। ओ वेट, मैं इतनी देर से खाली बिली पेड़ के लिए रो रहा हूँ, यहाँ पर एक पेड़ है तो जिसकी मैं दो वुड इकट्ठी कर सकता हूँ। हो तो अब जाकर मुझे एक पेड़ डायमंड जैसा नजर आ रहा है, बट हाँ फटाफट से इसकी वुड इकट्ठी करते हैं। और वैसे वहां पर मेरे को शायद से जो वुड नीचे गिरी हुई थी वो भी मिल गई है, और अभी मेरे पास दो वुड हो चुकी है। फटाफट से इसे रखते हैं यहाँ पर, और ये हो गए अपने पास 12 प्लैंक्स। क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, अब मैं बना लेता हूँ लैडर। अब मैं कहीं पर भी क्लाइंब कर सकता हूँ, और थोड़े बहुत उधर भैंस की क्राफ्टिंग टेबल है। क्या है ये? बस ठीक है, डर लग रहा है लेकिन क्राफ्टिंग टेबल देख के पहली बार। तो सबसे पहले तो ना 6-7 स्टिक्स बना लेता हूँ, ताकि इस स्टिक से मैं 3 लैडर बना सकूं। एक सेकंड, ये रखा और ये बन गई 3 लैडर। अब मेरे को थोड़े बहुत टूल्स बनाने हैं, बट अगर मैं स्टिक बना लूंगा तो टूल्स बन नहीं पाएंगे, बट फिर भी एक स्वॉर्ड बन जाएगी ताकि मैं किसी न किसी एनिमल को मार के फूड खा लूं। फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हैं, रात होने वाली है, ज़ॉम्बी ना आ जाए। भाई मेरा होगा क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ज़ॉम्बी आ गए तो मैं छुपने चले जाऊंगा। मैं कसम से बता रहा हूं भाई, रात होने ही वाली है, मौत हो जाएगी बहुत बुरी वाली। वरना एक फूड मिल जाए, एक फूड प्लीज, मर जाइयो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मारूंगा बहुत प्यार से चाटा। एक सेकंड, 3-2-1 ये ले। ओए मैं पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक, अरे मर जा यार ये। एक सेकंड यार मारो भाई, लगी नहीं रही इसकी उत्तरी, ऐसे लग रहा बैट से शॉट मार दिया सिक्सर। अरे लग यार, यार मैं एक काओ के मुंह के अंदर जाके उसको मार रहा हूँ तब भी उसे कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ ज्यादा कमजोर हो गया हूँ मैं। ऊपर से रात अलग हो गई है, एक दिन तो ऐसे ही बीत गया मेरा। एक विलेज मिल जाता तो बढ़िया रहता, मैं जाके फटाफट से सो जाता आराम से। वैसे भी चूहे जितनी हाइट है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्रीपर वगैरह अगर आए ना मारने भैंस की कुत्ता बना दूंगा बड़े हो गए। ओह तो नीचे से मुझे एक मस्त चिकन की आवाज आ रही है, मुझे ना किसी एक एनिमल को ही टारगेट बनाना होगा और उसी की हेल्थ कम करके मुझे उसे मारना है। बाकी यहाँ पर आसपास कहीं पानी भी है। चिकन कहाँ है भाई? आवाज तो यहीं से आ रही है, बट ओ ये रही, ये रही, पीछे पीछे इधर 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 इधर। ओके अपना टारगेट अपने सामने है, डंडी जैसी तांगे पे रुक जा यार, उड़ के ऊपर चली गई। वेट मैं भी ऊपर जाने वाला हूँ, सीढ़ी लगा देता हूँ पहले इधर। ओ सीढ़ी क्यों नहीं लग रही? ओ मेरे को पहले ये वाली घास हटानी पड़ेगी, अब लग जाएगी ये वाली सीढ़ी। फटाफट से क्लाइम करके चलते हैं ऊपर। भाई ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो रखा है, और ये वाली मेरी सीढ़ी नीचे ही रह गई, फिर कलेक्ट होने वाली है। प्लीज आजा। अरे यार नीचे रह गई, मैं बाद में आके ले लूंगा, मुर्गी ने अंडा दिया है। वेट भैंस के सामने स्केलेटन है, एक तीर में भाई खत्म कर देगा मेरे को। मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं भाग रहा हूँ। ये रही चिकन, ये रही, ये रही, ये रही। आजा मार इसको, रुक जा। अरे क्या पागल है, इसको नहीं छोड़ूंगा, लैडर लगा के मैं आने वाला हूँ नीचे। मेरे पीछे शायद से स्केलेटन आ रहा है, फटाफट से भाई ये लैडर तोड़ देता हूँ। इनकी आवाजें कितनी देते जा रही है लैडर की। भैंस की लैडर यहीं तो गिरी थी, डिस्पॉन भी होगी जल्दी। वैसे गाइस अच्छी बात तो ये है कि ये जो मॉब्स है ना मुझे देख भी नहीं पा रहे, तो क्या मैं इनको मार सकता हूँ? वेट ट्राई करता हूँ, अगर ये मेरे को देख नहीं पा रहे, मैं इतना ज्यादा छोटा हूँ। अरे यार रुक जा भाई, इतनी दूर चला गया, भैंस के बंदे की हड्डी पसली सूख जाएगी, वहां तक पहुंचते पहुंचते रुक के नहीं रहा भाई, रुक के नहीं रहा। बदतमीज एक मिनट रुक जा, एक बार मार के बस पता कर दे कि मैं तेरे को मार सकता हूँ या नहीं, वो मिल जाएगी मेरे को। वैसे इसमें मारा तो ले। ओ नहीं मजाक है, अरे भैंस की कुत्ता बना दिया भाई। अबे यार इतनी सारी मेहनत करी थी, सब बर्बाद हो गई भाई। ओ गाइस तो फाइनली मैं उस लोकेशन पर वापस पहुंच चुका हूँ जहां पर मैं लास्ट टाइम मरा था, और शायद से अरे भैंस की किसने मारा ज़ॉम्बी? लेट्स गो। तो मैं चुपचाप से वापस आ चुका हूँ इस लोकेशन पे, और मैंने अपनी स्वॉर्ड और ये सारी फालतू की चीजें जो मैंने इकट्ठी करी थी ले ली है। बट हाँ अभी ये सब अपने लिए फालतू नहीं है, सब कुछ ही बहुत ज्यादा काम का। एक बार ये दिन हो जाए, अगले दिन मैं सारी गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ। वेल तो अभी देखते ही देखते अगला दिन भी हो चुका है, और आज मुझे ना यार कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। फटाफट से ना पानी के अंदर छुपते हुए चलता हूँ मैं उस साइड पे। वैसे यहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज वगैरह है वो थोड़ी देर में जल के अपना मर जाएंगे, तो मुझे कोई इतनी ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। बस मुझे कंफर्म ये करना है कि क्या क्रीपर वगैरह भी मुझे मारने वाले। अरे ये देखो ये आ रहा है पानी में छुपने के लिए, मेरे को मत मारियो, बस मैं जा रहा हूँ, मेरे को मत मारियो भाई, ये बुझने के लिए आया है। लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट से मैं यहाँ से भाग कर निकल लेता हूँ, यहाँ से मारता हूँ। एक सेकेंड मैं पानी से भी नहीं बाहर जा सकता। वेट मेरे पास लैडर है, लैडर तो लगनी चाहिए प्लीज, ऐसा नहीं होना चाहिए, लैडर लगेगी और मैं इसके थ्रू जाऊंगा। भाई मैं अभी सच्ची में पानी में अटक गया था यार, और मेरी एक लैडर और बर्बाद जा चुकी है। प्लीज कलेक्ट हो जाओ। वाओ कलेक्ट तो हुई नहीं, उल्टा पानी के अंदर अलग ही। अरे लैडर कहाँ चली गई? अरे यार ऊपर ही रह गई। वेट मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, मैंने देखो लगा नीचे गई है पानी में, दोबारा से कलेक्ट करता हूँ। ये वाली नीचे, दोनों नीचे चली गई। आगे 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 लाओ 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 लाओ, आजा लैडर आजा चुपचाप से मेरी इन्वेंटरी में। ये क्या हो रहा है ये? आजा अब आइए। भैंस की मैं दो लैडर नहीं सेव कर पा रहा हूँ यार अपने लिए, इसी पे खड़े होके तोड़ू और कैसे। ओ फाइनली दो लैडर हो गई गाइस, अब बस बहुत हो गया। मैं 3-4 बारी बहुत ज्यादा बुरी तरह मर चुका हूँ, बट
अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह मिल चुकी है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 10 से ज्यादा ऐसे ट्रीज हैं जिनकी मैं वुड कलेक्ट कर सकता हूं, वो भी इतनी कम हाइट में। लेट्स गो, बिना किसी देरी के जल्दी से सारी वुड कलेक्ट करते हैं और मैं ढेर सारे टूल्स बना लूंगा। मतलब अगर एक बार ढेर सारे टूल्स बन गए तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें कलेक्ट कर पाऊंगा। बेसिकली सबसे पहले ना मुझे एक एक्स बना लेना है। एक्स बनाते ही मैं जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एक ही क्रिटिकल हिट में मार दूंगा ताकि मेरे को उनका फूड मिल जाए, और जितने डिफरेंट टाइप के मैं फूड खाऊंगा उतनी जल्दी मेरी हाइट बढ़ने वाली है। लेट्स गो गाइस। तो भी ढेर सारा फूड मैंने ढेर सारा वुड इकट्ठा कर लिया मैंने, और साथ ही सामने एक वुल्फ ने आके एक शीप को मार दिया जिसके थ्रू मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाएगा। थैंक यू मेरे भाई, बस अब मेरे को मत खा जाइयो, ठीक है ना। इसको मारूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगा। एक बार थोड़ा हड्डी वड्डी का ये खाएगा, ये देखिए रहा। ओ वेट, मैं इतना ज्यादा छोटा हूँ, चूहे के बराबर हूँ इस टाइम पर मैं, इसके लिए तो बेचारा मेरे को देख ही नहीं पा रहा। बाकी यहाँ ठीक है, मैं इस मीट को खाता हूँ ताकि मेरी हाइट और बढ़ जाए। लेट्स गो, मैं बड़ा हो चुका हूँ और अभी शायद ये मेरे को देख पा रहा है। हेलो, और वेट यार, किस्मत काफी खराब है, बारिश भी शुरू हो गई। बट कोई नहीं, अभी एक काम करता हूँ, बातें कम करते हैं। फटाफट से जितनी भी मेरे को वुड मिली है इस वुड से पहले टूल्स बना लेता हूँ। मतलब अगर मैं इसको रॉ मटन को कुक करके खाऊंगा तो वो भी एक यूनिक फूड है, यानी उसको खाने के बाद मेरी हाइट और बढ़ने वाली है। बट कुक करने के लिए मुझे फर्नेस बनाना होगा, तो बिना किसी देरी के जल्दी से बनाते हैं। फटाफट बना लेता हूँ पहले क्राफ्टिंग टेबल। अब इस क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे और इसके थ्रू मैं बनाने वाला हूँ ढेर सारे टूल्स बाद में देखेंगे। पहले तो मैं एक मस्त वाली एक्स बना लेता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम वुड इकट्ठी कर पाऊँ। ओ वेट, अभी ना अच्छी बात यह है कि मैं सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक के नहीं ऊपर के ऊपर वाले ब्लॉक के भी वुड तोड़ पा रहा हूँ, ये देखो, वरना पहले बहुत हार्ड हो रहा था। लेट्स गो। तो यहाँ से मैंने ढेर सारा वुड अपने लिए इकट्ठा कर लिया है, और नीचे की तरफ में बहुत सारा स्टोन है पर वहाँ पे जाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अगर मैं यहाँ से जंप मारूंगा तो मैं जंप मारना क्यों, मैं लेडर बना लेता हूँ ना, सबसे बेस्ट रहेगा। और यहाँ से थोड़ा बहुत वूल भी इकट्ठा कर लेते हैं। तीन शीप मारनी पड़ेगी तो मैं एक बेड बना लूंगा और बारिश बंद कर सकता हूँ। और क्या मेरी इतनी हाइट हो गई है कि मैं एक ब्लॉक की जंप मार पाऊँ? नहीं यार, किस्मत ही खराब है। छी, खैर कोई नहीं, भी फटाफट से लेटर्स बनाते हैं। लेटर्स बनाने के लिए मुझे बहुत सारी स्टिक्स चाहिए होगी, ये मैंने बना ली अब इन इस, अरे यार पड़ी तो थी स्टिक इतनी सारी। कोई नहीं, तीन लेटर यहाँ पर बन गया, बढ़िया रहेगा। अब सारे टूल बना लेता हूँ। पहले मेरे को पिकैक्स चाहिए, फिर मेरे को एक शवल भी चाहिए होगी, ये ले ली। सॉर्ट चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि सॉर्ट सीधा स्टोन की बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी इतने टूल्स हो गए हैं, अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी मैं तोड़ लेता हूँ, सीधा चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे एंड्रू ड्रैगन को मारना है और एंड्रू ड्रैगन को मारने के लिए आयरन आर्मर भी बनाना है। तो नीचे केव में चलते हैं, आयरन भी साथ के साथ बना लेंगे। बट हाँ, मैं भूल गया, मुझे फूड भी इकट्ठा करना है। लेट्स गो गाइस। नीचे की तरफ में मुझे कोल भी नजर आ रहा है और आयरन भी नजर आ रहा है, बट वहां पर जाने के लिए मेरे को इस वाली लाइन से डिग करना चाहिए। फटाफट अपनी जो शवल है इसको लेकर चलते हैं और यहाँ से गड्ढा करना स्टार्ट करता हूँ। परफेक्ट, पहले मेरे को यहाँ जाना होगा क्योंकि मैं एक ब्लॉक कूदूंगा तो डैमेज नहीं मिलेगा। डन। ओहो भाई साहब, एक एक ब्लॉक के लिए कितनी ज्यादा तमीज में नीचे उतरना पड़ रहा है। लेट्स गो। तो फाइनली मैंने अपना एक स्टोन, पहला कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लिया। बस यहाँ पर कोई जॉम्बी या क्रीपर ना आ जाए क्योंकि मैं इस टाइम पर बिल्कुल भी भागने की हालत में नहीं हूँ। एक लेटर लगा लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि कोई अचानक से आया तो मैं ऐसे कूद के तो चढ़ जाऊंगा कम से कम। एक लेटर यहाँ पर भी लगा लेते हैं, अंदर भाग जाऊंगा, मस्त रहेगा। फिलहाल जब तक कोई नहीं आ रहा मैं यहाँ पर ढेर सारा स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ। स्टोन के पिकैक्स बना के यहाँ पर मैं आयरन इकट्ठा कर लूंगा, और आयरन से हम लोग बना लेंगे वाटर बकेट ताकि मैं कहीं पर भी क्लाइंब कर पाऊँ। फिलहाल थोड़ी सी हाइट बनाने के लिए मुझे अपने मटन को कुक करके खाना चाहिए, मेरे मटन को नहीं, मतलब उस शीप के मटन को। डन डन डन। तो अभी ढेर सारा ये इकट्ठा हो गया है और ऊपर से शायद एक स्केलेटन आ रहा है। प्लीज यार मत आ। क्या मैं एक ब्लॉक के अंदर खड़े हो सकता हूँ छुपने के लिए? वेट, अरे हाँ, मैं अपने आपको एक ब्लॉक के अंदर बंद कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर ढेर सारा कोल है, ये भी जल्दी से मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। बस ये नीचे, यार नीचे क्यों गिर रहा है, मेरी इन्वेंटरी में आओ ना यार। आराम, वेट, आया आया आया, नहीं आया यार, एक्सपी आई। एक काम करता हूँ, ये सब छोड़ो, यहाँ पर भी कोल है, ये वाला चल के इकट्ठा करता हूँ। थोड़ा ऊंचाई पे है बट एटलीस्ट मेरी इन्वेंट्री में तो आएगा। फाइनली पहला कोल मेरी इन्वेंट्री में आ चुका है, यहाँ पर भी बहुत सारा है, इकट्ठा करते हैं। मैं पहले ना इसकी टॉर्च बना लेता हूँ। चार टॉर्च बना ली मैंने, ये बढ़िया रहेगी। मतलब थोड़ी देर में बहुत ज्यादा खतरनाक रात हो जाएगी तो मैं एटलीस्ट अच्छे से देख तो पाऊंगा। अब यहाँ पर जितना भी कोल है सारा का सारा कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फर्नेस में दबा के कोल डलने वाला है, आयरन भी स्मेल्ट करने है, फूड भी ढेर सारा पकाना है, बहुत कुछ है। लेट्स गो गाइस। तो ढेर सारा कोल मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब बाकी की जब जरूरत पड़ेगी मैं तब इकट्ठा कर लूंगा। और अभी बैंड बच जाती क्योंकि मैं नीचे गिर गया हूँ और ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं थी, बट ठीक है, मैंने स्कोल पे लगा दिया और मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये मेरे लिए एक मस्त रूम है, अगर मैं कभी छुपना चाहूँ तो मैं इस कमरे में आके बंद हो जाऊंगा, मुझे कोई मॉब नहीं मार पाएगा। फिलहाल इसे ओपन कर देते हैं। मतलब मैंने अपने लिए छुपने का जुगाड़ बना लिया और शायद ऊपर से कोई ज़ॉम्बी आ रहा है। प्लीज नीचे मत कूदना यार, मेरा क्राफ्टिंग टेबल का है। क्राफ्टिंग टेबल निकाल के रखता हूँ मैं यहाँ पे, इसके थ्रू बना लेता हूँ मैं एक फर्नेस कुछ इस तरीके से, और इस फर्नेस को मैं रखने वाला हूँ इस तरफ। इसके अंदर डालते हैं कोल और एक डालते हैं रो मटन, ये खाते मेरी हाइट और भी बढ़ने वाली है, मैं क्राफ्टिंग टेबल से बड़ा हो जाऊंगा। कितनी ज्यादा खुशी वाली बात है मेरे लिए, तुम नहीं समझ सकते भाई। अभी बन जा जल्दी बन जा यार। ओके डन, एक कुक मटन बन चुका है, फटाफट से इसको खाते हैं और अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं जल्दी से। लेट्स गो भाई, मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ, शायद से अभी मैं एक ब्लॉक का जंप मार सकता हूँ। मान लो क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर,
ऊपर से। अबे यार मैं अभी भी एक ब्लॉक का जंप नहीं मार पा रहा हूँ, मुझे लैडर ही यूज करनी पड़ेगी। छी यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस एक डिफरेंट फूड और खाना है और अपना काम हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं जल्दी से ना एक स्टोन पिकैक्स बना देता हूँ। स्टोन का बना लिया पिकैक्स ताकि मैं आयरन इकट्ठा कर पाऊँ, और लगे हाथ एक स्टोन का एक्स भी बना लेते हैं, ये बढ़िया है। अब फटाफट से ढेर सारा आयरन यहाँ से इकट्ठा करते हैं, वाटर बकेट बना लूंगा ताकि मैं कहीं पर भी क्लाइम कर पाऊँ। डन डन डन, यार यहाँ पर तो सच्ची में बहुत सारा आयरन मिल गया मेरे को एक ही बार में। मेरे को लग रहा है कि पूरा आयरन आर्मर बनाने के लिए मुझे वाली माइन से जाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। डन, तो सब कुछ फटाफट से इकट्ठा कर लेता हूँ मैं नीचे चल के। और मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, बट यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से लेटर बना सकता हूँ इजी। मेरे पास 6 स्टिक है, बट लेटर के लिए मेरे को 7 स्टिक चाहिए होगा, तो यहाँ से इकट्ठा करके ये बना लेता हूँ लेटर। अगर वुड नहीं होता तो शायद मैं यहीं अटक जाता, नहीं मैं गड्ढा करते करते कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता। फिलहाल अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, भाग के चलते हैं उस तरफ में, क्या पता थोड़ा बहुत आयरन उस साइड पे भी कहीं ना कहीं हो। अंदर एक केव तो बहुत ज्यादा दूर तक था, बट नहीं आयरन कहीं भी नहीं है, शायद बाहर वाली साइड पे ही कहीं ना कहीं आयरन होगा, मैंने कहीं तो कुछ ना कुछ मिस किया होगा। प्लीज यार एक आयरन, एक आयरन भाई, लिटरली एक भी आयरन नहीं है यहाँ पर। और कोई बात नहीं, मैं कोल इकट्ठा कर लेता हूँ, और जितना भी आयरन मैंने पहले कलेक्ट किया है उसको फटाफट से फर्नेस में डाल देता हूँ, एटलीस्ट वो तो स्मेल्ट हो जाए। ये रहा आयरन, मेरे पास 10 पीस है यार, बहुत होते हैं। वैसे गाइस मैं ना एक रिस्क लेने जा रहा हूँ, बाहर एक जॉम्बी है और अगर मैंने उस जॉम्बी को मारा तो मेरे को सिर्फ रॉटन फ्लैश मिल जाएगा, और रॉटन फ्लैश भी एक डिफरेंट फूड है, और अगर मैं वो खाऊंगा तो शायद मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि एक ब्लॉक की जंप मार सकूं, जो कि अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बाहर जाके उससे लड़ना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बाहर से स्पाइडर की भी आवाज आ रही है, बट अगर स्पाइडर को मार दूंगा तो स्पाइडर आई मिल जाएगी, जो कि मस्त बात है। एक काम करता हूं, जाने से पहले एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूं, बट यार चेस्ट प्लेट बना के भी क्या फायदा, मेरे पास तो 3 ही हार्ट्स हैं। बहस की मैं नहीं जा रहा किसी से पंगे लेने, मैं चुपचाप यहीं पर बैठा हूं आज रात के लिए फिलहाल। ओके, तो 2 आयरन गेट और बन चुके हैं, फटाफट से मैं अपने लिए आयरन का चेस्ट प्लेट बना लेता हूं सबसे पहले तो। और नहीं, मेरे को वाटर पकेट बनाना चाहिए था, बट कोई नहीं, एक आयरन और ढूंढ लेंगे बन जाएगा। फिलहाल ये पहन लेता हूँ, छोटी सी चेस्ट प्लेट कितनी प्यारी लग रही है हमारी बॉडी पे। तो अभी मैंने ढेर सारी लेटर्स और बना ली है, क्योंकि शायद से इस तरफ में भी एक केव जा रहा है, यहाँ पर चलते हैं ना। प्लीज यार अंदर कोई भी ज़ॉम्बी या क्रीपर ना हो, लेट्स गो। कोई भी नहीं है, पर आयरन है, ढेर सारा आयरन यहाँ पर भी मिल चुका है, इकट्ठा कर लेते हैं। भाई साहब अब आने वाले अपने असली मजे। टन टन टन, अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मैं जाने से पहले अपनी लेटर इकट्ठी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक लेटर लगानी है चढ़ने के लिए। यार सच में बहुत मुसीबत है, जितना भी आयरन लाया हूँ सारा का सारा इसमें रख देता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। 5 पीस है, ये भी जल्दी से जल्दी स्मेल्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए एक बकेट बन जाएगी। वेल गाइस अभी फिलहाल देखते देखते अगला दिन हो चुका है, मैं काम करता हूँ सारी की सारी लेडर्स और अपना सारा सामान यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बाहर, क्योंकि मुझे ढेर सारे एनिमल्स को मार के फूड जो इकट्ठा करना है। मैंने ढेर सारी लेडर्स तो नहीं बनाई है, तो वो भी मेरे को बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले थोड़ी बहुत स्टिक बना लेते हैं क्योंकि ये काम आने वाली है, और इसके थ्रू ढेर सारी लेडर्स अब बन जाएगी। डन, तो मैंने टोटल 12 लेडर्स बना लिया, फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल इकट्ठी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ कुछ इस तरीके से। प्लीज क्लाइम, अरे एक सेकेंड मैं ऐसे, वेट यार मुझे एक यहाँ पर लगानी पड़ेगी, अब नुकसान हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से क्लाइम कुछ इसी तरीके से मुझे करना होगा, और बाहर से मुझे स्केलेटन की आवाज आ रही है, बट कोई नहीं यहाँ पर वुल्फ घूम रहे थे तो वो उसे हैंडल कर लेंगे। लेट्स गो, मैं फाइनली यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, और फटाफट से चलते हैं थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने के लिए। क्रीपर भाई तू मेरे से पंगे मत लियो भी प्लीज, मैं वैसी हाइट में इतना ज्यादा छोटा हूँ कि मैं एक ब्लॉक भी नहीं कूद सकता, ऊपर से ये फूट जाएगा तो पता नहीं कितनी ज्यादा हिल जाएगी। यार इतना ज्यादा खुला ग्राउंड है, बट मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी फूड मतलब की शीप या पिक कुछ भी नहीं नजर आ रहा। प्लीज भाई कोई तो मिल जाओ यार, किसी को तो मार दू कसम से, थोड़ा सा फूड भी मिल जाएगा मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। ओए यार हॉर्स मिले हैं, तुम छी यार तुम्हारा स्वाद गंदा होता है। ओए सामने मुझे एक पिग नहीं 2 पिग मिल चुके हैं, लेट्स गो। एक बार इसे कच्चा खाऊंगा फिर मैं इसे पका के खाऊंगा, मेरे को एक मिल चुका है रॉ पॉक चॉप, दूसरे वाला भी रॉ ही मिलेगा, बट मैं इसको कुक करके खाने वाला हूँ ताकि मेरी हाइट बढ़ जाए। फिलहाल पहले अबे यार अभी तो हंगर ही नहीं है बिल्कुल। डन, तो अभी फटाफट से रॉ पॉक चॉप खाने वाला हूँ मैं, और मेरी हाइट वापस से बढ़ चुकी है, और शायद से मैं एक ब्लॉक की जंप मार सकता हूँ, लेट्स गो फाइनली। अब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी भी हमारी हाइट एक माइनक्राफ्ट के एक्चुअल प्लेयर जितनी नहीं हुई है, उसके लिए हमें और भी थोड़ा बहुत चीजें ढूंढनी होगी खाने के लिए। बाकी यहाँ इसको मैं पका के खा सकता हूँ, मेरी अभी फिलहाल लेकिन भूख ही नहीं है, और भूख तब लगेगी जब मैं थोड़ा बहुत घूमूंगा। और एक सेकेंड सामने विलेज दिखा, लेट्स गो। तो सामने मुझे बहुत दूर एक विलेज मिल चुका है, फटाफट से वहां पे चलते हैं, वहां से तो मुझे ढेर सारा फूड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर केव मिल गई है जहां से मैं ढेर सारा आयरन भी इकट्ठा कर सकता हूँ, लेट्स गो। अब आने वाले अपनी असली मजे, चल भाई चल चल चल, लगे यहाँ फूड भी मिलता जा रहा है, निकलो यहाँ से। ओ ओ भागना नहीं है बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत सारे पिग हैं भर भर के। इधर इधर रुक 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 रुक, ए कितना क्या है इसकी, बहुत बहुत कंदी तरह डॉच कर रहा था ना, निकल। वैसे यार अभी भी हाइट बढ़ने का ना कोई फायदा नहीं हुआ है, मतलब अगर एकदम टाइम पे जंप ना मारू, थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो मैं ऐसे भिड़ के चढ़ रहा हूँ ऊपर, मतलब ये देखो जैसे जंप मारती कभी कभार भिड़ जा रहा हूँ और एकदम पूरा चिपक के जाना पड़ रहा है। फिलहाल मैं अभी इस विलेज में आ चुका हूँ जल्दी से। ओए
अंदर तो चले जाऊंगा। ले तेरा बड़ा भाई आया, देखो ये छोटा वाला विलेजर का बच्चा है और मैं उससे बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। चेक कर शक्ल अपनी, ये ले हट यहाँ से अंदर। ओए दरवाजा मत बंद कर। बाकी ठीक है, यहाँ से इनका एक मैं बेड चुरा लेता हूँ और बाहर को निकलते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ये येलो फ्लावर ले लेता हूँ, ये काम आएगा अभी आगे। इसका जितना यूज है शायद से उतना किसी चीज का यूज ना हो इस पूरे विलेज में। बाकी ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा हे बेल है, इससे मुझे ब्रेड मिल जाएगी और ब्रेड भी एक यूनिक फूड है। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रख के ना पहले मैं हे बेल बना लेता हूँ। ये मिल गई मेरे को स्टिक और इस स्टिक को मुझे रखना है यहाँ पे, इससे बन जाएगा अपना हे बेल। और सॉरी, इससे मैं वुडन हॉय बना लेता हूँ, इससे मैं हे बेल इकट्ठा कर लूंगा। फिलहाल एक येलो डाई है, इसको रखते हैं बेड के साथ ताकि ये जो बेड है येलो बन जाए, हमारी स्किन से मैच हो रहा है ना। चलो चलो ठीक है, बात एकदम फटाफट से ये तोड़ते हैं। एक गलती कर दी मैंने, बना ही रहा था तो स्टोन का बना लेता, वुडन का खाली भी ली। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा 10 रुपए का। बाकी एक सेकंड, अंदर 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 चलते हैं। एक मिनट, किस्मत कितनी खराब है, मैंने अभी येलो बेड बनाया, यहाँ येलो बेड पड़ा हुआ है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी भाई बातें कम, फटाफट चलते इस वाले घर में। इसके अंदर प्लीज यार कहीं तो कोई चेस्ट हो यार, मतलब मजाक हो रखा है बिल्कुल। प्लीज यहाँ पर कुछ है। ब्लास्ट फर्नेस, लेट्स गो कोल। ओ मैं सारा वैसे भी आयरन गेट बना के लाया था। यहाँ पर विलेजर यहाँ क्या करते रहते, शौचालय बाहर निकल, वे पत्थर गिन रहे। एक काम करता हूँ, इसके अंदर चीज बाद में डालूंगा, फिलहाल अभी क्राफ्टिंग टेबल को ना यहाँ पे रख के हेबेल से वीट इकट्ठा करता हूँ। वीट को कन्वर्ट कर लेते ब्रेड में और ब्रेड खाते ही मेरी हाइट और बढ़ने वाली। बाहर चले जाता हूँ, पता लगा मैं ज्यादा बड़े हो जाऊँ, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरी हाइट। यार मेरे को हाइट बढ़ाने के लिए पहले थोड़ा सा डैमेज लेना होगा। अगर मैं रोटेन फ्लैश इकट्ठा कर लूंगा ना तो मेरे को हंगर जल्दी जल्दी होगा, मतलब जब मेरे को भूख लगेगी मैं फूड तभी तो खा पाऊंगा। फाइनली पूरे के पूरे 10 चक्कर लगाए हैं मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर भागते भागते, और अब अपना हंगर हाफ कम हुआ है, पूरा एक कम हो गया। लेट्स गो, फटाफट से अब खाते हैं इसको। और अपनी हाइट थोड़ी सी और बढ़ चुकी है, थोड़े बहुत और चक्कर काटता हूँ क्योंकि मैं इसको भी पका कर खाने वाला हूँ। अपना फर्नेस भी यहाँ पर रखवा देते हैं ना, इसी बात पे ये रखा। इसके अंदर थोड़ा सा कोल डाल देता हूँ और फिर इसके अंदर डाल देते हैं रो पॉक चॉप। ये पकेगा, तब तक मैं अपने थोड़ा सा पेट और खाली कर आता हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे भागते भागते। ओके, तो फाइनली हाफ हंगर और कम हो चुका है और शायद से इस टाइम पर मेरी हाइट एक माइनक्राफ्ट के एक्चुअल प्लेयर जितनी हो चुकी है अब, या फिर मैं उससे थोड़ा बड़ा ही हो गया हूँ, पता नहीं, शायद से मैं बराबर हूँ अभी देखने में मेरे को ऐसा लग रहा है। बस फिलहाल अभी पॉक चॉप इकट्ठा करते हैं और मैं इसको खाने वाला हूँ फटाफट दोबारा से, और मेरी हाइट और भी बढ़ चुकी है। लेट्स गो गाइस, तो अभी अपनी हाइट सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई। और ये देखो एक आयरन गोलम भी मेरे से छोटा दिख रहा है ना भाई। एक सेकंड मारू, नहीं 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 नहीं, ये पीटे का भाई बहुत ज्यादा बुरी तरह मारेगा ये, क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं बस बड़ा हो गया हूँ वो भी देखने में। क्या मैं ऊंची जंप पे मार सकता हूँ? शायद मैं ऐसे चढ़ सकता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से जाके मैं एक आयरन गोलेम को बहुत दूर से मार सकता हूँ। आयरन गोलेम सामने है, फटाफट से गिर गया मैं, छोटा हो रहा हूँ मैं, गिरने पे वापस छोटा होऊंगा। आयरन गोलेम को ना फटाफट से मारने का ट्राई करता हूँ, मैं दूर से मार सकता हूँ उसको। ओए ये तो अंदर ही नहीं आ पा रहा, ले ले तेरी भैंस की, मेरे को मारेगा तू है? इससे मेरे को बहुत सारा आयरन मिलने वाला है, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। डन, मेरे को मिल गया बहुत सही आयरन। और एक सेकंड, अब आने वाले अपने अंदर असली मुझे यहाँ पर तो काओ भी है भाई साहब, क्रिटिकल शॉट मारूंगा इनको तो फटाफट से। लेट्स गो, और भी फूड है, इसे भी इकट्ठा कर ही लेता हूँ लगे यहाँ। चलो अभी मैं काओ को दो तरीके से खाने वाला हूँ, पहले तो नॉर्मल फिर उसके बाद कुक करके। ओहो हो, अब आने वाले हैं भाई अपने असली मजे, फटाफट से चलते हैं अंदर। और ये मैं लेकर आया था रॉ बीफ, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, कुक हो जाए उसके बाद इसे खाते हैं। और वेट, एक तो मैं रॉ भी खा सकता हूँ ना, तो ताकि थोड़ा सा और मैं बड़ा हो जाऊँ। लेट्स गो, बीच में पानी के बीच में खड़े होकर खाऊंगा। और ये अरे यार फूड, ज़ॉम्बी भाई साहब मारने का थप्पड़, क्योंकि इससे मेरे को रॉटन फ्लैश भी चाहिए, बाकी मेरा थोड़ा बहुत हंगर कम कर दे। ये देखो जैसे ही मेरे को मार रहा है ना, मेरे हार्ट कम होते ही मैं छोटा हो रहा हूँ, बट मेरी हेल्थ फुल है इसलिए मैं वापस बड़ा भी हो जा रहा हूँ। मारो ए, मार को नरा, अब तो बराबर हो गए हम दोनों। ओ वेट, इसने मेरा हंगर कम कर दिया, थैंक यू ब्रो। अब मैं फटाफट से खा लेता हूँ, अब मैं डबल साइज बड़ा होने वाला हूँ। वेट, अभी तो आयरन गोलम भी काका लगने वाला है। इधर आओ इधर आ, तेरी ये ले क्रिटिकल। भाई क्रिटिकल था भी नहीं तब भी बेचारा मर गया। और ये बहुत काम आने वाला है, मतलब जब मुझे भूख नहीं लग रही होगी तो मैं ये रोटन फ्लैश खाऊंगा ताकि मुझे जल्दी से भूख लगे। बाकी अपना फूड पक चुका होगा, फटाफट से स्टीक ले लेता हूँ, बाकी चीजें कुक होने के लिए रखता हूँ। और स्टीक खाने के बाद मैं और भी बड़ा होने वाला हूँ, बट भूख नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं। रोटन फ्लैश, अरे यार रोटन फ्लैश खाने की भी तो भूख नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। जब तक एक बार सामने चलता हूँ, बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इनको पीट देता हूँ मैं अच्छे से। आ जाओ भाई आ जाओ, ये लो पैस की, भर भर के ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं और मैंने इनसे ढेर सारा रोटन फ्लैश इकट्ठा कर लिया और मुझे भूख भी लग चुकी है। और छोटा ज़ॉम्बी आ रहा है, रोटन फ्लैश खा लेता हूँ ताकि और भूख लगे। और ये देखो मैं और बड़ा हो चुका हूँ भाई, एक पेड़ से भी ज्यादा हाइट हो गई है मेरी, और मैं किस तरीके से भाग रहा हूँ। ओए डैमेज नहीं, वापस छोटा हो गया, कोई नहीं मैं वापस बड़ा भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे ज़ॉम्बी निकल यहाँ से। वैसे गाइस शायद से मैंने आप लोग को एक चीज नहीं बताई कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ मेरे को स्ट्रेंथ भी मिलते जाएगी। ओ तेरी, ओए ओए छोटा कर दिया स्केलेटन ने, मार मार के दरवाजा बंद करो।
भाई साहब अलग ही गुस्से में है वो। एक काम करता हूँ, आज के लिए मैं अपना बेड बिछा के यहीं पे सो जाता हूँ। और यार मैं सो भी नहीं सकता, बाहर मॉन्स्टर है, ऐसे कैसे इधर लगाऊंगा मैं अपना बेड एकदम कवर करके आराम से। ये यार तुम पिटे अब भैंस की, तुम्हारी वजह से मैं अंदर सो नहीं पा रहा हूँ चैन से। ओए छोटा भाई मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा भाई मैं। बहुत ज्यादा बुरी तरह पिट पुटा के आ चुका हूँ, बाहर उन्हें मारने गया था पर उन्होंने ज्यादा पीटा है मेरे को। एक सेकंड, इनकी भैंस के डंग फूड खा के जाऊंगा मारने। अरे ये क्या हो गया, मैं तो घर के अंदर से ही बाहर आ गया। हाँ भाई अब बताओ कौन फालतू बोला था, इधर आइयो निकल। एक सेकंड चुप हो, चुप दिमाग खराब। इधर 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 तू पिटा निकल, निकल यहाँ से भाई। मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, किन पतली पतली गलियों में फिट ही नहीं आ रहा हूँ मैं। बाकी इन सब मॉब को मैं इतनी लगी क्या तेरे तेरे भाई ने, तेरे को आधा डैमेज दे दिया यार। अब मेरे को ना घर के अंदर जाने के लिए थोड़ा बहुत छोटा होना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा मार दे यार, थैंक यू। बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है, मैं इतने में घर के अंदर चले जाऊंगा शायद। प्लीज यार घर मेरे को अंदर आने दे। अरे यार ऊपर के कोबल स्टोन तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है अब मैं जा सकता हूँ घर के अंदर, ये बंद कर देता हूँ। परफेक्ट मैं आ चुका हूँ। गाइस एक बारी बाहर की तरफ देखो, कितनी सारी फैन फॉलोइंग होगी अपनी, सारे के सारे ज़ॉम्बी अंदर आना चाह रहे हैं। क्या पागल हो क्या? एक और इधर से कैसे मार रहा है, इसकी टांग ऊपर चढ़ के मारूंगा क्योंकि अभी मैं पिट पिट के छोटा हो चुका हूँ। निकल यहाँ से, निकल तू भी, तू आ तू आ तू आ, ये लो इधर आ, ये एक सेकेंड निकल यहाँ से, आजा गेल ले, वापस आ वापस आ, गेल ले। हाँ भाई और कौन है, रोटन फ्लैश इकट्ठा हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। हो तो सारे के सारे ज़ॉम्बी मैंने फाइनली मार दिए हैं, अब फटाफट से सो जाते हैं और मैं कितना छोटा लग रहा हूँ यार इस बेड पे। नेक्स्ट डे मैं फिलहाल सोकर उठ चुका हूँ, फटाफट से बेड तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ से, और जितना भी सामान है ना सारा लेकर मैं जाने वाला हूँ अभी आयरन माइन करने के लिए क्योंकि मेरे पास आज ज्यादा टाइम नहीं है। तो फाइनली मैंने अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट कर ली है, फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से किसी अच्छी लोकेशन पे जाने के लिए। बट जाने से पहले मैं फूड खा के अपनी हाइट को दोबारा से बढ़ाने वाला हूँ, ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी क्योंकि अब अपनी लिमिट और अपनी रेंज बहुत सही बढ़ चुकी है। डन, देख लो भाई अपना प्लेयर धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है। परफेक्ट, तो जैसे जैसे अब अपनी हार्ट बढ़ेंगे अपनी हाइट तुरंत बढ़ते चले जाएगी। और वेट भाई साहब, मुझे अलग अलग जगहों से लेट लेट के बाहर निकलना पड़ रहा है। फिलहाल मैं इस जगह पर आया हूँ और यहाँ पर एक केव है, पर मैं इस केव के अंदर शायद जा नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरे को यार अपने लिए कोई ना कोई रवीन ढूंढनी होगी, मतलब बड़े होने के फायदे भी है, मैं बहुत तेज भाग पा रहा हूँ, मॉब्स को बहुत कम हिट में मार पा रहा हूँ, पर आयरन इकट्ठा करने के लिए मैं कहीं भी अंदर नहीं जा पा रहा यार। अगर मैं कोई वापस छोटा होना है तो मुझे डैमेज लेना पड़ेगा, बट डैमेज लूंगा तो हर्ट्स कम हो जाएंगे और अंदर केव में बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, कोई भी क्रीपर वगैरह आगे ब्लास्ट हो गया मैं थोड़ी दूर से ही मर जाऊंगा। और वेट वेट, यहां पर एक केव है, शायद से इस केव के अंदर मैं जा सकता हूं। यस मैं क्राउच करके जा सकता हूं। भाई 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 अभी तक तो मैं खड़े खड़े आ गया, ये केव के बराबर हूँ मैं भाई, मेरी लिलीपुट वाली फील आ रही है। कोल मिला यार, यहाँ पे आयरन भी नहीं है, कितनी खराब किस्मत है। अगर आयरन हुआ भी तो शायद मेरे को दिखा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर आ गया। थोड़ी बहुत जगह तो है अंदर बट जाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारा कोल है। प्लीज एक आयरन मिल जाए यार, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। हो गया भाई नुकसान, एक भी आयरन नहीं अच्छी। केव मिल जाए भैया केव, ओ वेट केव छोड़ो, यहाँ पर तो फूड मिल चुका है बहुत सारा। इधर आओ निकलो, ओ एक सेकंड निकल यहाँ से। ओ वेट मुझे कूद की क्रिटिकल मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पर मेरा साइज बहुत ज्यादा है, यानी मेरा एक छोटा सा अटैक इनके लिए बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। बाकी यार एक सेकंड, मैं फूड की इतनी टेंशन क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास इतना सारा हेबेल है मैं भर भर के ब्रेड बना सकता हूँ। फिलहाल अभी बस मुझे आयरन इकट्ठा करना है ताकि मैं आयरन आर्मर बना पाऊं, और साथ ही मुझे एक लावा पूल ढूंढना है क्योंकि इसके बाद मैं जाने वाला हूं नेदर, नेदर से ब्लेज रॉड इकट्ठी करनी है तभी हम लोग जा पाएंगे एंडर ड्रैगन के पास। बाकी एक सेकंड मुझे नीचे एक माइन शाफ्ट मिल चुकी है, लेट्स गो वहां पे बाद में चलेंगे, पहले यहां पर मुझे थोड़ा बहुत आयरन दिख गया है तो उसको फटाफट यहीं से मैं माइन कर लेता हूं। दो ब्लॉक थे, अब इस ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए मैं कैसे जाऊंगा नीचे यार। लावा भी एक मस्त चीज है जिससे मैं डैमेज ले सकता हूं, वैसे उससे डैमेज लेके मैं अपने आप को पानी से बुझा लूंगा और मेरी हाइट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ओह लेट्स गो, यहाँ पर और आयरन। वेट मेरे पास एक मस्त आइडिया है, अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आयरन ढूंढता हुआ चलूँ तो मैं ऐसे भी माइन कर सकता हूँ। बट हाँ यार एक प्रॉब्लम ये भी है कि कलेक्ट करने के लिए तो नीचे ही जाना होगा ना, डैमेज लेता हूँ थोड़ा बहुत कूद कूद के इसी बात पे। वैसे यार मजे तो बहुत ज्यादा है, बड़ी हाइट करने के बाद खेलने में कुछ अलग ही फील है, दूर दूर तक की चीजें जो मैं तोड़ रहा हूँ ना यहीं से खड़े खड़े, अलग ही मजा आ रहा है। कूद के कलेक्ट कर लेता हूँ भाई सारा का सारा, यहाँ पर बहुत आयरन है, मतलब हर जगह जहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ बस मुझे आयरन ही नजर आ रहा है। ठीक है भाई फटाफट से सारा आयरन इकट्ठा करते हैं और इसे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ, समझ लो पूरा आयरन आर्मर बस 5 मिनट में बनने वाला है मेरा। बाकी यहाँ पानी मुझे चाहिए था तो वाटर बकेट यहीं से आ जाओ फटाफट। भाई बहुत सही मोड है, लेट्स गो, आयरन की पूरी बारिश होने वाली है भाई पूरी की पूरी रवीन में। भाई सोचो जब मेरी एंडर ड्रैगन से फाइट होगी तो क्या ही डैमेज जाने वाला है, मेरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ी है और ये डैमेज भी उसी हिसाब से देने वाली है। फिर मेरे को तो लग रहा है ड्रैगन बस 2 से 3 हिट में ही मर जाएगा, वो भी आयरन स्वॉर्ड के। परफेक्ट, तो बहुत सारा आयरन मैंने इकट्ठा कर लिया भाई। स्पीड एक मिनट, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं लावा में कूद जाता। मेरा फर्नेस रखा हुआ है इस वाली साइड पे, यहाँ भी आयरन है यार, मैं कसम से रूइन में आ गया, मजे ही आ गया यार अपने। ये रहा ब्लास्ट फर्नेस, ओ भाई साहब सारा स्मेल्ट भी हो गया,
मुझे आधा इसके अंदर नहीं डालना चाहिए था, इसके अंदर बस 10% डालना था। बट ठीक है यार, इतना आयरन मैं लेकर कहाँ जाऊंगा, 33 आयरन है। क्राफ्टिंग टेबल निकाल के मैं रखता हूँ यहाँ पे। अब चलना है सीधा नेदर के लिए, ये रखी। और हाँ एक सेकंड, चल चल तू आयरन इधर दे, फूड पका दू, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं सारा आयरन, जल्दी से कर देगा। हाँ तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट प्लेट बन गई थी, लेगिंग्स बना लेते हैं, लेगिंग्स हो गई, हेलमेट बना लेते हैं, हेलमेट हो गया, बूट्स बना लेते हैं, बूट हो गया, और एक शील्ड बना लूं क्या, नहीं मेरे को शील्ड की जरूरत नहीं है। बहुत सारा आयरन है यार, थोड़ा बहुत आयरन फेंकने के लिए भी चाहिए होता तो मैं इसी को फेंक दूंगा। एक शवल बना लेता हूं, किसी काम की नहीं होती। वेट, मुझे देखना है कि जब मैं पूरा का पूरा आयरन आर्मर पहन लूंगा तो मेरा प्लेयर कैसा दिखने वाला है। सब कुछ हो चुका और ये देखो भाई क्या ही जाइंट लुक आ रही है। वैसे देखने में लग रहा है उतनी हाइट है, बट अगर हम नॉर्मल ब्लॉक्स को देखें तो भाई कितना जाइंट लग रहा है अपना प्लेयर। और अभी तो ये फुल साइज है भी नहीं, क्योंकि इसके बाद आधा साइज और बढ़ने वाला है, मतलब मैं इससे थोड़ा सा डबल से कम हो जाऊंगा। बाकी ठीक है, सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, फटाफट से मैं इसे तोड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत फूड हो रहा है, इसे हो जाने देते हैं। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लावा है ना, मैं क्यों ना इस लावा को कलेक्ट कर लूँ, ताकि जब भी मेरे को डैमेज चाहिए होगा मैं एक बकेट में लावा रखूंगा और अपने ऊपर डाल लूंगा। मतलब हाइट कम करने के लिए मेरे को अपनी हेल्थ कम करनी पड़ेगी, तो ये एक इंस्टेंट तरीका है। फटाफट से ना एक बकेट बना लेते हैं, इसके के अंदर मैं लावा भी कलेक्ट कर लूंगा और ये इकट्ठा कर लेता हूँ, ये बहुत काम की चीज है भाई। आगे चलने के लिए पहले तो मैं इसको बुझा देता हूँ, ठीक है। चल भाई चल, बुझ गया सारा। अरे दोबारा आ रहा है, एक मिनट रुके, दोबारा बुझ जा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फटाफट से यहाँ से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और पानी से इस पूरे को दोबारा बुझा के फटाफट हम लोग निकलते हैं ऊपर चलने के लिए। मेरे को एक चीज चेक करनी है कि मैं एक बार में मैक्स कितनी ऊपर पानी डाल सकता हूँ। ओह वेट, बहुत ज्यादा हाइट पे गया पानी, मतलब हमको बार बार बकेट डालने की जरूरत नहीं है, एक बार ही कलेक्ट करके सीधा टॉप पे डालना। परफेक्ट, मैं दो ही बार में पूरा बाहर आ चुका हूँ इस रवीन से। अब चल के ढूंढते हैं यार एक लावा पूल, जो कि थोड़ा बहुत हार्ड टास्क होने वाला है, बट अगर एक बारी मिल गया फिर तो सब कुछ मजाक है। गाइज एक बारी देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं कुछ इस तरीके से भागता हुआ जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है नॉर्मल रास्ता। और एक सेकंड, यहाँ पर आग लग रही है, मतलब यहाँ पर लावा पूल होगा, लेट्स गो। मैं वेट, वैसे डैमेज से याद आया, अगर मैं फ्लिंट एंड स्टील भी बना लूं तो भी मैं डैमेज ले सकता हूं। फिलहाल लावा पूल मिल चुका है, पोर्टल यहां पर बनाना है, पर पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए तो ग्रेवल चाहिए होगी, तो फ्लिंट एंड स्टील बेस्ट चीज है। लावा खाली भी इकट्ठा कर लिया। ओ वेट, मेरे पास एक तो ये शवल भी अच्छी वाली नहीं है, बट कोई नहीं, फ्लिंट एंड स्टील मिल जाए, अगर किस्मत अच्छी रही तो एक ही बार में मिल जाएगा। चार पांच ग्रेवल तोड़ चुका हूं, अभी तक तो नहीं मिला है। खैर, अरे मिल जा भाई, क्या हो गया अभी, क्या हो रहा है भाई, इतनी सारी ग्रेवल तोड़ दी है बट अभी तक एक भी फ्लिंट नहीं मिला है। वेट यार, मैं रुक जाओ जरा, एक मिनट, आयरन की बनाऊंगा सीधा। लकड़ी कहाँ है भाई, लकड़ी तोड़ो, यहीं से तोड़नी शुरू कर देता हूँ। ये आगे लकड़ी, यहाँ से लेंगे हम लोग स्टिक। चलो भाई, ये लिए प्लैंक्स और ये बना लिए ढेर सारे स्टिक, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये मैंने बना ली एक आयरन की शवल, लेट्स को। ठीक है भाई, अब तोड़ के देखते हैं, अब मिलता है फ्लिंट की नहीं, एक ही बार में मिलना चाहिए। अब भाई आयरन की लाओ मजबूत वाली। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रेवल के अलग ही ड्रामे है भाई, फ्लिंट ही नहीं मिल रहा है आज। ओ फाइनली फाइनली मिला मिला मिला, पर मैं वहां पर जाकर उसे, ओ एक नहीं दो दो मिल गए, पर वहां पर जाके मैं उसे कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अरे यार ला के दे देना भाई, वहां से भाई नहीं है वो भैंस की, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैंने एक शवल हिट से ही मार दिया उसको, ये देखना। अरे यार ये मेरे को ये चाहिए। वेट एक काम करता हूँ, इधर से अगर पानी डाल दूं वो बहकर इस तरफ आएगा, इधर का भी पानी इकट्ठा करके ऊपर से डाल दूं तो। अरे आजा यार भाई, मेरे को ना थोड़ा सा डैमेज लेना पड़ेगा, मैं लावा डाल रहा हूँ। ले भाई लावा मेरे ऊपर गिर जा थोड़ा सा, बिल्कुल प्यार से, थोड़ा सा लावा पैर में टच होगा ना अपने आप ही डैमेज मिलेगा और मैं छोटा हो जाऊंगा और जाके इस फ्लिंट को कलेक्ट कर लूंगा। भाई अलग ही ड्रामेबाजी है इसमें भी। वेट ये कर ली मैंने फ्लिंट कलेक्ट, अब फटाफट से एक फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ। ये रखा फ्लिंट और ये रखा आयरन, ये बन गया फ्लिंट एंड स्टील, ये फेंक दी मैंने। अब अगर मैं छोटा होना चाहूँ, पहले तो पानी कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ तो छोटा होना अगर मैं चाहूँ तो बस मेरे को यहाँ आग लगानी है और थोड़ी देर खड़े होकर इस आग को सेकना है आराम से। चल चल चल, मरना नहीं है बस ध्यान से एकदम, बस बस। अरे बस करो भैया, हो गया। चल भाई तू भुज जा, अब फटाफट से चल के ना पोर्टल बना लेते हैं क्योंकि सब हो चुका है। चलो 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 फटाफट से पहुंचते हैं लावा पूल के पास। बाकी मेरी हेल्थ कम है, मुझे फूड नहीं खाना है क्योंकि मेरी हाइट वापस से बढ़ जाएगी। और एक सेकंड यार, ये लावा पूल अभी दिख तो रहा था, मैं छोटा हो गया हूं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, पहले ज्यादा व्यू मिल रहा था एक ही बार में। टर्न तो भी फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मैं लावा पूल बना लेता हूं। सबसे पहले तो मुझे एक ब्लॉक चाहिए होगा जिसको मैं रखने वाला हूं इधर, ताकि हम लोग यहां पर एकदम मस्त अपना वाटर डालें और ये दो ब्लॉक का स्पेस खेल ले। अब फटाफट से इसको तोड़ते हैं, पोर्टल का बेस बन चुका है, बट बेस को भी कंप्लीट करने के लिए मुझे नीचे के दो ब्लॉक तोड़ने होंगे और यहां पे लाकर डालना होगा पानी। बट हां उसके लिए नीचे लावा होना जरूरी है ताकि वो स्टोन नहीं ऑब्सीडियन बन जाए। अभी ये जा चुका है तो फटाफट से पानी डाल देते हैं, ये बेस ऑब्सीडियन का बन चुका है। अब साइड साइड में मुझे ब्लॉक्स लगाने हैं, तो बस लावा बकेट वाटर बकेट दोनों है तो सिंपल है एकदम। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, पहले तो कुछ ब्लॉक्स लगाते हैं इस तरफ में एकदम आराम से। ओ वेट पानी डाल देते हैं यहाँ पर फटाफट से। और वेट मैंने थोड़ा बहुत लावा पूल खराब कर दिया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास लावा अभी भी ढेर सारा बचा हुआ है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लग गए हैं। एक सेकंड, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं जा रहा हूँ पहले सोने के लिए, एक बारी जाग कर आता हूँ ताकि तुम अगले दिन जल जाओ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं सोकर उठ गया हूँ। फटाफट से अपने पोर्टल को पूरा कंप्लीट करते हैं, मुझे लावा ला के डालना है और ये फटाफट से हो भी जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये लिया कलेक्ट और
मैंने वाटर पे डाल दिया। छी यार, लेट्स गो। तो फाइनली अपना जो पोर्टल है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स मुझे और लगाने हैं। हाँ, पहले तो एक ब्लॉक इस तरफ में लगाना पड़ेगा। और सामने से क्रीपर भाई सब्जी आ रहे हैं, रुक जाओ इनको बात। अरे यार दो मिनट, ये देखो अब पागल है क्या। एक सेकंड, इसको शवल से मारूंगा। ये ले। चलो चलो चलो, होने वाला है कंप्लीट। बस यहाँ पर एक ये रखना है। और हाँ भाई, फाइनली जो पोर्टल पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला ब्लॉक मैंने क्यों लगाया, बट ठीक है, लग गया लग गया। लुक अच्छी आ रही है फ्रेम की। हाँ, तो अभी पहले मेरे को थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। वेट, अरे अरे पूरा ही मर जाऊंगा इसमें तो। अरे आराम से बस, बहुत है बहुत है, इतना छोटा बहुत है भाई। हो गया मैं, बहुत सही है। हाँ, तो भी फटाफट से इस ब्लॉक को तोड़ के फ्लिंट मार के इस पोर्टल को स्टार्ट करते हैं। सारा काम हो चुका है, अब बस नेदर जाके तबाही मचानी है जल्दी से जल्दी। ओके, तो फाइनली मैं नेदर में आ चुका हूँ। अब बस मुझे फटाफट से एक फोर्ट्रेस मिल जाए तो मस्त रहेगा। बाकी एक सेकेंड, मैं जिस जगह पर आया हूँ यहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होते हैं, तो क्यों ना मैं पहले एंडर पर्ल इकट्ठी कर लूँ, बहुत सही रहेगा वो तो। मतलब ये एक टाइप से आप लोग कह सकते हो एंडरमैन का ही बायोम है यहाँ पर भर भर के। ओ वेट, एक एंडरमैन को दिख चुका है। इससे लड़ने से पहले मैं फूड खा के अपनी हाइट बढ़ाता हूँ ताकि मैं एक ही हिट में इसे खत्म कर दूँ। हाँ भाई, कहाँ पर है तू, इधर आइयो। ओए एक सेकेंड यार, इतना ऊंचा नहीं होना। ये ले, अरे नीचे नहीं। अरे यार मेरे को टेलीपोर्ट हो जा भाई, टेलीपोर्ट हो जा। हो गया हो गया, वो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। मर, वापस नहीं। ओ मरा, बट शायद एंडरपल भी दिए इसने। लेट्स गो। अब मेरे को फटाफट कुछ इसी तरीके से एंडरपल इकट्ठी करनी है। और लावा पूल में तो नहीं गिर जाऊंगा मैं, यहाँ से रास्ता है, इस रस्तों से निकलते हैं। भाई ये नेदर में तो अलग ही तकलीफ है लंबी हाइट होने के बाद, क्योंकि ऊपर सारा भिड़ेगा मेरा बार बार ही। ओके, अभी धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, कसम से बहुत ज्यादा तकलीफ है। एंडरमैन को मार के पर्ल भी इकट्ठी करते रहता हूँ, और साथ ही अरे यार ये फोर्ट्रेस बगल में ही है। ये देखो, ये मेरा पोर्टल है यहाँ पर, कहाँ था ये देखो, ये रहा मेरा पोर्टल और ये रहा फोर्ट्रेस। मेरे को दिखा तो है, दीवार दिखी है हल्की सी फोर्ट्रेस की, शायद फोर्ट्रेस भी होएगा ही ना। ये देखो, ये रही फोर्ट्रेस की दीवार दिख रही है। एक बारी ऊपर से कूद के चलता हूँ, क्या पता फोर्ट्रेस एंट्री ऊपर से हो। लेट्स गो, मैं भाग के ऊपर वाली साइड पे आ तो चुका हूँ। अरे यार मेरे को छोटा होना पड़ेगा थोड़ा, इतने ज्यादा घने पेड़ है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं कूद के भी इस साइड से आ चुका हूँ, और मैं फोर्ट्रेस के अंदर नहीं जा पाऊंगा चाहे मैं कितने भी ब्लॉक तोड़ लूं, क्योंकि सीधी सी बात है फोर्ट्रेस के अंदर जाने के लिए मुझे अपनी हाइट कम करनी पड़ेगी। बाकी इस एंडरमैन, अरे अरे रुक जाओ, तुम एक में ढेर हो जाओगे, तुम्हें पता है नहीं। ओए तू चुप हो, एंडरपल दी। ओ दो भाई, दो एंडरपल हो गई पीछे। ओ सॉरी सॉरी, इनको नहीं मारना भाई, ये बहुत पिटेंगे बाद में। हटे डन। तो अभी यहाँ पर और एंडरमैन होंगे, तो अभी सामने अपना पोर्टल है, यहाँ से मुझे एंडरपल मिल जाएगी। और ये रहा फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस के अंदर ना मैं कूद कूद के जाने वाला हूँ, और दूर से ही सारी ब्लेज को मार दूंगा तो बहुत ज्यादा मस्त रहेगा भाई। कितनी मस्त फील आ रही है, टॉर्च ले लेता हूँ। टॉर्च क्यों नहीं है मेरे हाथ में इतनी देर से। अरे 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 क्या हुआ बेटा, किन्ने मारा। इधर आओ, निकलो यहाँ से। वेट, एक ब्लेज मिल गई, और दूसरी ब्लेज मिल गई, और तीसरी ब्लेज भी शायद कलेक्ट नहीं हो रही। वेट, मेरी इन्वेंटरी में इतना स्लॉट ही नहीं है ना, अब कलेक्ट होगी फटाफट से। बाकी चल चल के चेस्ट वगैरह भी लूटते जब तक इनको ओवर स्पॉन होने देते भाई। यार कितने ज्यादा मजे है ना इस बड़ी हाइट में, इस फोर्ट्रेस में घूमने के। फटाफट से जंप मार के मैं दूसरी साइड पे भी आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक ये एंडरमैन है, इसके क्रिटिकल शॉट मैंने बजा दिया, और इस भाई साहब ने भी मेरे को एंडरपल दे दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ब्लेज एक, अरे जला दिया जला दिया। छोटा हो रहा हूँ मैं, फिर नहीं नहीं नहीं, छोटा मत कर, छोटा छोटा नहीं, छोटा मत करना मेरे को आज के बाद, मैं मर जाऊं। अरे भाई भाई भाई, वेट, फूड खाना होगा, फूड खाना होगा, मेरे पास कुक्ड फूड है, फटाफट से खाता हूँ। मेरे को पहले बड़ा होना होगा, वरना ये भाई बहुत ज्यादा बुरी था। हाँ भाई, अब बोल क्या बोल रहा था, एक सेकंड, ये खत्म है भाई। अरे भैंस की टंग इसने जला दिया भाई, इससे इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर। ये ले, ओए बदतमीज है भाई, बदतमीज है, हरा देगी मेरे को, क्योंकि कंटिन्यूअसली जला देती है, और जैसे जैसे डैमेज मिलते रहता है मैं छोटा हो जाता हूँ। बाकी ठीक है, मेरे को एक और ब्लेज रॉड मिल चुकी है, परफेक्ट। फटाफट से इसको तोड़ देते हैं, शायद से मैं अंदर जा सकता हूँ। एक बार अंदर चले जाऊंगा तो क्राउच करके घूमूंगा। वेट यार, मेरे को ना थोड़ा सा लावा चाहिए होगा, ऊपर से तो कलेक्ट नहीं होगा, नीचे भी इतना भी बड़ा हाथ नहीं है कि इतनी दूर तक का लावा इकट्ठा कर लूं। यहां से कूद के चलता हूं फोर्ट्रेस के अंदर। भाई वेट, पूरा बराबर रूम है, यानी इसके अंदर मैं घूम सकता हूँ। चलो भाई, सारी की सारी चेस्ट लूट लूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को काम का मिल ही जाएगा। बाकी थोड़ा साइड से जलना नहीं है मेरे को, इस तरफ चलते हैं। क्या रास्ता ओपन है, चेस्ट में से गोल्ड मिल चुका है। हाँ यार, अभी अगर बैस्टियन वगैरह जाना हुआ तो मैं गोल्ड की चीजें बना लूंगा। बाकी इस साइड पर चलते हैं भाग के, यहाँ पर स्टेयर्स हैं, क्या मैं कूद के यस ऊपर जा सकता था। ये तोड़ने पड़ेंगे, तीन ब्लॉक्स तोड़ते ही अपना काम हो जाएगा, परफेक्ट। अब फटाफट से, अरे क्या हो गया, मुझे जितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है मुझे उतने ऊपर की ब्लॉक्स तोड़ने पड़ रहे हैं, ये भी एक थोड़ी सी तकलीफ। बट कोई नहीं, एक बारी सीधा रास्ता आ जाए, अपना काम आसान हो जाएगा। ओके, तो मैं ऊपर आ चुका हूं, यहां पर एक चेस्ट हो रहा है, और यहां से भी मुझे गोल्ड मिल चुका है। बाकी ब्लेज और आ चुकी हैं बाहर, उनको चल के पीटते हैं। यहां से मुझे नजर आ गई है ब्लेज, यहीं से पीट देता हूं। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब, रुको एक सेकंड, लावा में मत गिरना। ये लो शॉट,
अच्छा अच्छा अच्छा, सारे नेदरराक छोड़ देता हूँ, इनको अंदर ही बुला लेता हूँ ताकि ब्लेज भी कलेक्ट हो जाए लगे यहाँ। अरे यार जला दिया इसने बुरी तरह, मैं छोटा हो जाऊंगा बहुत गंदे वाला। बाकी मेरी हाइट इस टाइम पर एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर जितनी होगी, और वेट मैंने फूड बहुत सारा खा लिया और मैं कुछ ज्यादा बड़े होने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम कर दी मैंने, मेरा सर बढ़ जाएगा ऊपर, प्लीज और बड़ा नहीं, बस 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 बहुत है, इतनी हाइट परफेक्ट। रुक जा तू, रुक जा, चुप बैठ, मेरा सर अटक चुका है ऊपर, अब मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मैं ये ऑटोमेटिकली क्राउच हो रखा है, ये मैंने सब छोड़ दिया, देखो क्राउच है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हाइट है खुद से खड़ा ही नहीं हो सकता अब। चलो यार तो बिना बाकी चीजें छोड़ो, फटाफट से इन्हीं को मैं मारता हूँ और सामान इकट्ठा करके यहाँ से निकलता हूँ। तो सामने की तरफ में ब्लेज की आवाज आ रही थी और ये रही ब्लेज, इसको भी मैंने मार दिया है और टोटल 5 ब्लेज रॉड इकट्ठी हो गई है, जो की बहुत है। थोड़ी सी और कर लेता हूँ फिर अपना काम हो जाएगा। भैंस की वो सब छोड़ो, ब्लेज बाद में इकट्ठी करेंगे, यहाँ पर इतने सारे एंडरमैन नजर आ रहे हैं ना मुझे ऊपर, इनको मार लेता हूँ, दोनों चीजें साथ साथ इकट्ठी करते हुए चलूंगा तो बाद में टाइम बचेगा। ये रहा एंडरमैन, फटाफट से इससे मेरी लड़ाई हो गई, पीछे ओए टेलीपोर्ट हो गया, वेट 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 कहां से टपकने वाला है, वैसे डर क्यों रहा हूं मैं, मेरी इतनी हेल्थ ही नहीं ले पाएगा वो, दूसरा हो गया, जब तक तीनों को एक साथ पीटने वाला हूं मैं गंदे वाला, 1 2 3 बाय, एक और है अभी बुरा। हां जी भाई आजो 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 भाई साहब, ये लो एक बढ़िया वाला शॉट, प्यार से खाओ, डन, ये भी गया, सबने एंडरपल हुए, एंडरपल दी, तीनों ने ही नहीं दी, इतने बदतमीज है ये पिटा ब्लेज, बहुत दूर से जब मैं एंडरमैन से लड़ रहा था तू ही मार रहा था ना, अरे नहीं तुम्हें नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम्हें मजाक कर रहा हूँ यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं बिल्कुल। हाँ भाई इधर आइयो ब्लेज, इधर इधर इस साइड से अंदर को, अंदर को, और ये ले बढ़िया वाला शॉट का, लेट्स गो भाई। ये सारे के सारे मेरे को मारने के लिए इस टाइम पर पागल हो गए हैं, मैं कितना भी बड़ा हूँ लेकिन इनसे नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा झुंड में मारेंगे। तो चलो गाइस अभी जितनी ब्लेज मुझे चाहिए थी सारी की सारी इकट्ठी हो चुकी है, थोड़ी बहुत एंट्री पल मैं सोच रहा हूँ और इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास 10 है, मतलब मिनिमम 12 तो चाहिए ही होंगी, वैसे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग होल्ड एकदम ही खाली हुआ तो मेरे को वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना, तो फटाफट से इस एंडरमैन को फटाफट निपटाते हैं, दो दो शॉट में मर रहे हैं मेरे पास 10, अरे यार इसने भी नहीं दी, बहुत ही कम दे रहे हैं यार, मतलब 3 को मारता हूँ तो 1 मिलती है जाके, जबकि मैं स्टार्टिंग में आया था मैंने 2 को मारा था और दोनों ने एंडरपल दी थी, बाकी एक एंडरमैन ये जा रहे भाई साहब, ये लो 2 शॉट खाओ, इसने मेरे को दे दी, टोटल 11 एंडरपल हो चुकी है, और ढूंढ के पीटता हूँ, और ये रहा, ओ, दो दो खड़े हैं यहाँ, तो एक शॉट दूसरा शॉट ढेर, इसने भी दे दी, डन फटाफट से चल के कलेक्ट करता हूँ भाई साहब, इधर इधर पीछे ये भी गया, लेट्स गो 13 एंडरपल इकट्ठी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि बस एक लास्ट एंडरपल इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब इतना इजी है इकट्ठा करना तो ऐसे ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, एंडरमैन दिख जाए समझ लो एंडरपल आ गई, अरे भाई साहब एक शॉट दूसरा शॉट, अरे आ जा यार तीसरा शॉट खा ले भाई, आ नहीं रहा, आ जा ये, ओ भाई ओए भाई छोटा मत कर, छोटा मत कर, वेट वेट मारेगा तू मेरे को, मारेगा दी नहीं यार इसने, ची एक लास्ट एंडरमैन मिल जाए और अपना काम एकदम मस्त हो जाएगा, वो रहा सामने, ठीक है इसके पास चलते हैं फटाफट से, इसको लपेट के इसका भी खेल मैं खत्म कर देता हूँ, एक शॉट दूसरा शॉट ढेर, और भाई साहब ने नहीं दी, चलो एक एंडरमैन यहाँ पर हो रहा है, मैं कहाँ से आना चाह रहा, इधर से आना, इधर से आ जा, ये ले पड़ के भी नहीं रही इसके, तेरी भैंस की कहाँ गया, अच्छा अच्छा इधर हूँ ओपन में, मैं फिर यहीं से आ रहा है, दे दे एंडरपल, ये लास्ट एंडरमैन है, इसने अगर मेरे को एंडरपल दी तो ठीक है, वरना मैं और को बेमतलब में नहीं मारने वाला, अरे लावा से दूर आ जाए यार, ये रहे रहे रहे, ये तो दूसरा है, अरे वेट इसको भी पीट देते ना क्या होगा, लेट्स गो मेरे पास टोटल 14 एंडरपल हो चुकी है, अब फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, एक और को मैंने चैलेंज करा, लावा में ही कूद गया था भाई ये तो, अरे क्या हो रहा है इसको देखना भाई साहब, अलग ही मस्ती चढ़ गई उसे लावा में कूदने के बाद, मेरे को मत मार दियो मैं लावा में गिर जाऊंगा भाई, ठीक है यार बहुत ज्यादा मस्त हो गई, फटाफट से ना कूद के मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, लगे हाथी ने मेरे को थोड़ा सा लावा भी कलेक्ट करना है तो मैं यहीं से कलेक्ट कर सकता हूँ थोड़ा नीचे जाके, तो भी फटाफट से जंप मार के चलते सीधा सामने की तरफ में, अपना काम हो चुका है अब निकलते हैं यहाँ से, टर्न तो भी मैं नीचे से थोड़ा बहुत लावा लेकर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस पोर्टल के अंदर जा सकता हूँ, मुझे खुद को थोड़ा सा डैमेज देना ही होगा ताकि मेरी हाइट कम हो जाए, पर अभी मैं बुझ नहीं सकता, मर ना जाऊं भाई, वेट उस तरफ पानी है जल्दी से वहां पे जाके कूद जाऊंगा, अब वैसे पानी तो मेरे पास ही, ओए एक सेकंड पानी डल जा भाई 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 भाई, पानी तो हाँ फाइनली बच गया भाई मैं, अभी कसम से मौत हो ही गई थी मेरी पूरी, बाकी फूड खा लेते हैं ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ क्योंकि इतनी कम हाइट हो गई मैं उस पार भी नहीं जा पा रहा हूँ, लेट्स गो सब हो गया, पानी दो मेरा वापस, अब फटाफट से मैं बना लेता हूँ सबसे पहले, तो एक मिनट क्राफ्टिंग टेबल कहाँ रख दी मैंने, ठीक दोबारा से फूड तोड़नी पड़ेगी मेरे को बेमतलब, ये लो ये रखी मैंने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे, अब रखते हैं जितनी भी ब्लेज रोड है से बना लेते हैं ब्लेज पाउडर, ब्लेज पाउडर को रखते हैं यहाँ पे और ये रखा यहाँ पर, और ये अभी अपने पास आई ऑफ एंडर, मैं ये ज्यादा ही लिया था वैसे, अब कुछ फालतू की चीजें वो यहाँ पर फेंकते हैं और चलते हैं सीधा एंडर ड्रैगन के पास उसको कूटने के लिए, मेरे हिसाब से मुझे इनमें से तो यार कुछ भी नहीं चाहिए, फर्नेस वगैरह की भी अभी कोई जरूरत नहीं रह गई, और क्या क्या हो गया भाई, क्या हो गया
तकलीफ है तेरे को? ये ले फिर, एक बेचारा एक नहीं मर गया। ये फेंक देते हैं, ये भी, ये नहीं फेंकना, नुकसान हो जाता अभी तकड़े वाला। चलो अभी फिलहाल सारा मामला सॉर्ट हो चुका है, मुझे और भी कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है। फटाफट से आईओ फाइंडर फेंकते हैं। अच्छा उस तरफ गई, मेरे को लगा नीचे चली गई, नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो पता चले। ठीक है अभी फटाफट से अपनी हाइट बढ़ाते हैं और फुल स्पीड में भागते हुए जाने वाला हूँ उस तरफ, क्योंकि जितनी भी ज्यादा हाइट होगी मैं उतनी तेज जाऊंगा। इन पेड़ों के ऊपर चढ़ के कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे को। वैसे गाइस मुझे ना हर थोड़ी थोड़ी देर में एक ना एक बारी आईओ फाइंडर मार के चेक करना चाहिए कि कहीं पता चले मैं बहुत तेज भागता हुआ जगह से आगे ना निकल जाऊं। फिलहाल अभी तो ये आईओ फाइंडर इधर ही जा रही है। आजा, या लेट्स गो, सीधे ही जाना है मेरे को। भाई मैं एक एक बायोम इतनी जल्दी टपा दे रहा हूँ पता भी नहीं चल रहा। मतलब अभी ये दूसरी दो बायोम मैं चेंज कर चुका हूँ, यहाँ पर ये तीसरी डेजर्ट बायोम है और ये भी मैंने पार कर दी, और उस टाइम पर मैं फोर्थ बायोम में आ चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक रुइन पोर्टल है भाड़ में, जहाँ मुझे यूज नहीं करना। फटाफट से दोबारा से आईओ फाइंडर फेंक के देखते हैं, और आईओ फाइंडर अभी कितनी दूर है स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक पहले तो ये ले लूं मैं, काम किया। वैसे यार अगर मैं अभी एक यूनिक फूड खा लूंगा ना तो मेरी हाइट एक और बढ़ जाएगी, मतलब वो भी बहुत ज्यादा मस्त रहेगा। यहाँ पर पोटैटो वगैरह अगर मिल जाए तो मस्त हो जाएगा, मतलब मेलन कुछ भी मिल जाए। अभी फिलहाल जाते जाते रात हो गई है बट अभी तक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जल्दी से मैं सो जाता हूँ। मेरे पास एक बेड भी है ना, और मुझे देखना है कि आखिर इतना बड़ा प्लेयर एक छोटे से बेड पे सो पाता है या फिर नहीं। एक सेकेंड, बेड दिखा रहा है बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा है। एक मिनट, यहाँ से ओ मैं सो गया पर मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं एफपीपी में सोया हूँ। बट अच्छी बात यह है कि मैं सोचूंगा, लेट्स गो फटाफट से इसे लेकर अब चलते हैं। दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ इसको मार के चेक करने का कि ये अपोजिट चला गया, यानी हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर से चढ़कर निकल गए और ये ब्लास्ट हो गया। छे यार मेरे को ना एंडर ड्रैगन के पास जाने से पहले एक ना एक यूनिक फूड ढूंढ के खाना होगा ताकि मैं अपनी हाइट और भी बढ़ा लूं। फिर तो जो मजा आएगा ना उसको मारने का वो नेक्स्ट लेवल होगा। वैसे गाइस एक सेकंड, यूनिक फूड खाने तो क्या मैं मिल्क पी सकता हूं? वो भी तो यूनिक फूड में से ही आएगा। वेट मैंने मिल्क ले लिया है, इसको पी के देखते हैं। पर वेट मैं पी ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने इसे पी लिया और मेरी हाइट और भी बढ़ चुकी है। ये देखो अपने टोटल 10 हार्ट्स हो गए हैं और अब होने वाले नेक्स्ट लेवल। मुझे पानी ले लेता हूँ पहले तो यहाँ से, अब फटाफट निकलते हैं। मुझे बैक साइड में ही जाना था ना भाई। भाई भाई क्या हो रहा है यार। वैसे गाइस अभी ना मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के बहुत ज्यादा पास हूँ क्योंकि मेरी जो आईओ फाइंडर है वो इस टाइम पर इस तरफ जा रहा हूँ तो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद इधर जा रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मेरी आईओ फाइंडर जमीन के अंदर चले जाए। लेट्स गो, भाग के चलता हूँ इस तरफ में। यहाँ पर चल के आईओ फाइंडर फेंकते हैं ऊपर, और ये नीचे गई ना शायद से, नहीं ये वापस बैक गई है, यानी मेरे को यहाँ से नीचे चलना चाहिए। अपने आप का मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। वेट ये मैंने फेंकी और आई ओ फाइंडर यहीं पर जा रही है। लेट्स गो, यहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ बट नीचे जाने से पहले मुझे खुद को छोटा करना होगा। यहाँ पर लावा डाल देता हूँ और अरे 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 बस 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 इतना छोटा बहुत है। नहीं नहीं थोड़ा सा और बस शायद से मैं केव्स के अंदर जा सकता हूँ, इतनी हाइट भी चलेगी यार, मतलब इससे ज्यादा वापस बड़ा हो रहा हूँ यार मैं। लेकिन चलो गाइस आज के साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना। चैनल पे न्यू हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।